नमस्कार आदाब गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक के सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 23 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण फिर चाहे आप यूपीएससी एस बैंकिंग रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आप सभी का स्वागत है आइए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की ओर जानना शुरू करते हैं क्या कुछ घटा दुनिया में सबसे पहली जानकारी जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई रूस की सेना यूक्रेन में घुस गई आज के आज के सेशन में चर्चा करेंगे लेट नाइट की जानकारी कि रूस ने फाइनली अपनी सेना भी यूक्रेन में घुसा दी है आज के सेशन के अंदर इसके बारे में जिक्र किया जाएगा नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है स्विस बैंक से हाल ही के अंदर दुनिया भर में चर्चित स्विट्जरलैंड की बैंक यानी स्विस बैंक के नाम से आप जानते हैं सुर्खियों में आई हुई है और वो इसलिए कि स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी बैंक जिसका नाम क्रेडिट स्विस है ये हाल ही में अपने तीस हजार खातों के बारे में जानकारी लीक कर गई है यानी कि स्विट्जरलैंड के खातों में किस किस का पैसा बंद है यह पता चल गया है आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्या कौन सी जानकारी निकल करके बाहर आई है तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल करके आई वो ये है कि हाल ही में इक्कीस फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की फ्लीट रिव्यू की है ये फ्लीट रिव्यू क्या होती है देश की आजादी के बाद में बारहवी बार ऐसा हो रहा है कितनी खास है फ्लीट रिव्यू कहते हैं गणतंत्र दिवस की परेड के बाद अगर भारत में दूसरी सबसे बड़ी कोई कार्रवाई होती है सेना की तो यही होती है चर्चा करेंगे पत्रकार राणा काफी ज्यादा सुर्खियों में है सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इनके समर्थन में आ गया है यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज ने इनके समर्थन में कमेंट किया है वहीं भारत सरकार ने इनकी संपत्ति को अटैच कर दिया है बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है सेशन के अंदर चर्चा करेंगे काफी ज्यादा विवादित व्यक्तित्व निकल के आने जा रहा है ओमाइक्रॉन का हाल ही में एक नया वेरिएंट पता चला है डेनमार्क के अंदर ओमाइक्रॉन का बी ए डॉट टू माइक्रॉन निकल कर आया है पता चलेंगे कि यह क्या कारण है और कितना घातक है डेनमार्क में एक ही दिन में पचास हजार से ज्यादा मरीज

अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश के लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला जैव विविधता पार्क बनाया गया है भारत और ओमान के ओमान ने हाल ही में ब्रिज सिक्स नाम से नया युद्ध अभ्यास शुरू किया है भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर थ्री मोबाइल प्रयोगशाला का महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है बीजिंग के शीतकालीन ओलंपिक्स का फाइनली समापन हो गया है जैसा था इंतजार वही हुआ जैसे ही ओलंपिक समाप्त हुए तुरंत तो रशिया ने बीजिंग के मतलब उसके ऊपर आक्रमण कर दिया यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी आज के सेशन में चर्चा करेंगे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता के पांचवें स्थान पर रहा यानी कि इसके बारे में पता चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन से भारतीय व्यवसायों पर कितना असर पड़ सकता है महत्वपूर्ण तो जानकारियों में आपके सामने जानकारी यह है कि यदि आप चाहते हैं अन पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित टेन जिसका यूज़ करके आप अकेडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करें उस पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट प्राप्त होता है आज शाम पाँच बजे आप लोगों की स्पेशल क्लास है उसमें आप उपस्थित हो सकते हैं साथियों इकोनॉमी एस कैटेगरी के अंदर हमारी चल रही है पाँच बजे नहीं छः बजे क्लास है आप उसमें उपस्थित हो सकते हैं मेरा रेफरल कोड अंकित है जिसका यूज करके आप अकेडमी पर दस परसेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अन अकेडमी पर इस समय काफी सारे ऑफर्स चल रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों के सामने अन अकेडमी के ऑफर्स में आइकॉनिक जो प्लान है ये हजार में आपको दिया जा रहा है फरवरी के अंदर 22 फरवरी से 24 फरवरी के लिए एक बैंक एग्जाम में ऑफर निकला हुआ है और ऑफर ये है कि अगर आप बैंक एस या फिर किसी भी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो बाईस से चौबीस तारीख के बीच में अं छह महीने के सब्सक्रिप्शन पर एक अतिरिक्त महीने

परिस्थितियां जो हमारे सामने इस समय चल रही हैं हैं ये परिस्थितियां परिस्थितियां या किसी विशेष को कहा जाता है देखिए दो स्थितियां हैं साहब मैं आया चल करके और समाप्त यहाँ पर आपके सामने पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया सामान्य परिस्थिति है लेकिन मैं आया और ठोकर खाके गिर गया असामान्य परिस्थिति है दोनों ही स्थिति में मैं, मैं दोष दे सकता हूँ पहली स्थिति में इस बात का कि साहब मेरे साथ इतना कुछ सारा सामान्य चल रहा है कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा अपनी परिस्थितियों को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं यार कुछ जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है दूसरी बार मैं ठोकर खाके घिरा फिर मैंने क्रिटिसाइज किया पता नहीं जीवन में क्या चल रहा है गिर पड़े साहब कहने का अर्थ यह है कि समय जो है ना वो आपके थॉट प्रोसेस के अनुसार आपको परिस्थिति का अनुभव कराता है आपकी थॉट प्रोसेस आपको ये बताती है कि आप किस परिस्थिति को खतरनाक लेते हैं अब जैसे आज आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर कहीं गोली चल जाए तो आपके दिमाग में इतनी टेंशन हो जाएगी कि शायद आप रात भर सो ना पाए लेकिन सोच के देखिए कि आपके ही समाज से निकल करके एक भाई आपका एक बहन आपकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी करने के लिए खड़ी है अब उनके लिए तो गोलियों की आवाज़ हर दिन की है हर दिन उसी परिस्थिति में जीना है उसी में रहना है उसी में खाना है यानी कि परिस्थितियां इट इज ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड कि आप अपने दिमाग में किस बात को कितना बड़ा बना के रखते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है परिस्थितियां सामान्यतः वहीं रहती हैं चीजें ऐसी की ऐसी रहती हैं आप उन्हें बड़ा या छोटा बनाते हैं तो आप देखिए कि आप अपनी परेशानियों को कितना बड़ा सोचते हैं और अपनी परेशानियों को कितना छोटा सोचते हैं जो व्यक्ति परेशानियों को जितना छोटा सोचता है वो जीवन में उतना आगे बढ़ता है बहुत से लोग पेट खराब हो जाने पर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पेट खराब है आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सर दर्द है लेकिन बहुत सारे लोग पैर टूट जाने पर भी एग्जाम देने जाते हैं शादी के गठबंधन में बैठे हुए भी एग्जाम देने जाते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है आप में से बहुत भाई ऐसे होंगे जो कि इसलिए शादी मतलब उसमें नहीं गए पेपर देने या फिर किसी चीज में नहीं गए क्योंकि साहब घर में फंक्शन था इसलिए पढ़ाई छोड़ दी और वहीं कई विज्ञापन ऐसे भी देखते हैं आप जिसमें लोग दूल्हा दुल्हन जो है वो एग्जाम लिखते एग्जाम लिखने मंडप से पहुंचते हैं दोनों ही स्थितियां हैं ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है इसे आप कैसे लेते हैं निश्चित ही आप अपने लिए सकारात्मक सोच विकसित करेंगे प्रज्ञा दुर्गेश नमन वेदानंद केशव कार्तिके प्राची सुशांत समित्रा रंजीत सुकुणाल कल्पना दुर्गेश संगीता नमन राजपूत गर्ल अन्नू अन्नपूर्णा गौतम सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से कहते हैं जिसका था सभी को इंतजार वो घड़ी आ गई अब आप हाँ पूछेंगे ऐसे क्यों कह रहे हो हमने कहा रात को लगभग 12 से 1 के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात मानी जाए तो रूस की सेनाएं यूक्रेन में घुस गई कल तक के अपडेट में जब मैं आपको कल क्लास पढ़ा के निकला था तब तक रशिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के दो हिस्सों को इंडिपेंडेंट करने की घोषणा की थी यह कहते हुए कि मैं इन्हें अलग राष्ट्र मानता हूं मैंने वो न्यूज इसलिए कवर नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी वहां पर यह सब चीजें लंबे समय से चल रही थी मैं पुराने समय पर भी आपको बता चुका हूं लेकिन कल रात को यूक्रेन के अंदर रूस की सेनाएं एंट्री कर गई अब रूस की सेनाएं एंट्री कर गई दुनिया ने क्या किया युद्ध शुरू हुआ अमेरिका ने बम फटा के फोड़े रशिया ने गोले चलाए यानी जो आप कल्पना कर रहे थे वो सब सही था और जैसी कल्पना बाइडेन कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं तक सही था अगर आपको याद हो तो बाइडेन ने कहा था कि 16 सोल, सोलह तारीख को युद्ध शुरू हो जाएगा Biden का कहना इसलिए था, था उनका लगना था कि भाई ओलंपिक आखिरी पड़ाव पर होंगे तब हो जाएगा क्योंकि चीन के साथ में पुतिन ने वादा किया था पुतिन जाके भी आए थे ओलंपिक्स में लेकिन पुतिन ने और इज्जत रखी चीन की और पूरी तरह से ओलंपिक खत्म होने का इंतजार किया शीतकालीन ओलंपिक समाप्त हुए और इधर से पुतिन ने अपनी सेना को कल रात को यूक्रेन के अंदर भेज दिया यानी कि ओलंपिक की समाप्ति का जश्न रूस की सेना ने यूक्रेन के अंदर एंट्री करके किया है तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है कितना अपडेट है युद्ध शुरू हुआ या नहीं हुआ यूक्रेन का कौन सा हिस्सा पूरी तरह से रूस के कब्जे में चला गया है या कुछ हुआ है आइए सारी बातें अब आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं अच्छा सा सेशन है ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक एक अपडेट यानी कि सुबह साढ़े पांच बजे तक का मैं आपको अपडेट देने वाला हूं इस पूरे सेशन में तो तसल्ली पूर्वक आप बात सुनिए सबसे पहली बात कल जब हम आपका सेशन लेने जा रहे थे तो रात एक बजकर दस मिनट पर राष्ट्र के नाम संबोधन में आ, रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन है उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संबोधन दिया संबोधन में उन्होंने क्या कहा जरा देखिए उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के दो हिस्से जिनमें से एक का नाम है और और एक का नाम है लोहांस और नाम है डोनेस्क। डोनेस्क के स्थान को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में दर्जा देता हूं इंपॉर्टेंट है न्यूज यहीं से शुरू होती है जो विद्यार्थी इस सेशन में बिल्कुल नए हैं उन्हें मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा उन्हें बताना चाहूंगा कि यूक्रेन का एक हिस्सा जिसे आप क्रीमिया के नाम से जानते हैं इस हिस्से के ऊपर बहुत पहले ही रशिया के द्वारा 2014 में कब्जा कर लिया गया था इसके बाद यूक्रेन में एक हिस्सा जो कि रूस की तरफ पड़ता है जो कि इसका ईस्टर्न हिस्सा है जिसका नाम लोहानस और डोनेस्क है रात एक बजकर दस मिनट पर इन दो हिस्सों के बारे में रशिया के राष्ट्रपति ने जब अपने द्वारा अनाउंसमेंट किया और कहा कि मैं यूक्रेन के इन दो हिस्सों को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देता हूं अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा। स्वतंत्र देश का दर्जा देने का मतलब क्या बना देश का हिस्सा तो यूक्रेन का है आप इन्हें अलग से देश क्यों बोल रहे हैं जरा यह बताइए लॉजिकल सवाल है कि भाई हिस्सा यूक्रेन का है तो रशिया के बोलने से फर्क क्या पड़ गया बहुत बड़ा फर्क पड़ गया क्या फर्क पड़ा अब वो जान लीजिए फर्क यह पड़ा जनाब कि जब आप किसी हिस्से को स्वतंत्र मानना शुरू कर देते हैं आप आसान भाषा में समझिए मान लीजिए कि भारत बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देता है कि मेरी नज़र में बलूचिस्तान स्वतंत्र है ऐसी स्थिति में स्वतंत्र देश का कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्र अध्यक्ष कोई ना कोई तो आप मानोगे उस व्यक्ति से जो बलूचिस्तान में बैठा है वहां से वो व्यक्ति कह दे कि मैं तो एक अलग देश बन गया और अलग देश बनने के नाम पर मैं रूस से कहता हूं कि वो मेरी सुरक्षा करने के लिए अपनी सेना भेज दे मतलब आप सोचकर देखिए कि दुनिया भर के लोग तमाम प्रयास और कयास लगा रहे थे कयास ये लगाए जा रहे थे कि रूस जो है वो इस जगह पर जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव है वहां पर अपनी सेना भेजेगा उम्मीदें ये लगाई जा रही थी पूरी दुनिया के सामने रशिया ने माहौल ये बनाया हुआ था क्योंकि बेलारूस में युद्ध अभ्यास चल रहा था उत्तरी जो यूक्रेन का हिस्सा है उस पर युद्ध अभ्यास चल रहा था सब जगह सेनाएं थी कीव के बारे में इंतजार किया जा रहा था कि यहां पर आक्रमण होगा एक ही दिन में कब्जा हो जाएगा इन्होंने स्ट्रेटेजिकली दूसरा गेम कर दिया दूसरा गेम क्या कर दिया यूक्रेन के एक हिस्से को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा सवाल बहुत बेसिक सा बनेगा कि सर एक बात बताइए अगर कोई भारत का व्यक्ति मान लीजिए कि हम एक बार के लिए ऐसा मान ले कि अमेरिका भारत के एक राज्य मान लीजिए राजस्थान उसको कह देता है कि मैंने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया स्वतंत्र घोषित कर दिया तो फर्क क्या पड़ रहा है अमेरिका ने राजस्थान को स्वतंत्र घोषित कर दिया इससे फर्क क्या पड़ रहा है मैंने कहा भाई देखिए स्वतंत्र घोषित करने का फर्क यह पड़ रहा है कि अगर मैं एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर जाऊं तो मैं एक देश के नाते किसी दूसरे देश से सहायता मांग सकता हूं अब आप पूछेंगे सर तो ऐसे तो दुनिया का कोई भी देश ऐसी हरकत कर सकता है बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लेकिन मुसीबत यह है कि अमेरिका राजस्थान में इंटरफेयर अगर करे तो राजस्थान के बहुत सारे लोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर के स्वतंत्र भारत का निर्माण करते हैं तो यहां पर ऐसी हरकत होने पर संपूर्ण भारत एक होकर के अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा फिर आप पूछेंगे इनके केस में क्या हुआ इनके केस में यह हुआ कि ये जो लोहानस और डोनास्क है ये मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूं मेरा पुराना अगर वीडियो है यूक्रेन विवाद का अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं उसके अंदर आप जानेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही बड़ी मात्रा में रशियन लोग रहते हैं यानी कि लोहनास्क और डोनास्क ये जो जो जगह है यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर रशियंस ऑलरेडी रहते हैं रशियंस ने यहां पर रहते हुए पहले से ही रूस के समर्थन में माहौल बनाया हुआ था अब होता यह है कि रूस ने इन लोगों को कहा कि तुम रह तो वहां रहे हो मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बना देता हूं खुद से एक देश बन जाओ इन दोनों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है अगर हम अपने प्रधानमंत्री बन गए तो फिर प्रधानमंत्री बन गए तो हमको सहायता भेजो कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन हम पर सेना भेज दे तो फिर कल रात को इनके द्वारा अपनी तरफ से सेना यहां पर भेज दी गई रशिया ने अपने द्वारा सेना यहां पर भेज दी है अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा सर एक बात बताइए यहां पर रह रहे रोग रूस के समर्थक थे ये तो समझ में आता है लेकिन इन लोगों ने यानी यूक्रेन ने आज तक इनके लिए कुछ किया क्यों नहीं यूक्रेन इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं देखिए बच्चों ये न्यूज तो आज सुन रहे हो आप कि ऐसा हुआ वास्तविकता में मतलब जो यूक्रेन के रहने वाले लोग हैं या यूक्रेन में पढ़ने वाले जाते जो लोग हैं उनसे अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है ये लगभग रशिया ही है मतलब इस एरिया में आज से नहीं लंबे समय से ही रशिया के समर्थन में ही काम होते आए हैं अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे मैं इसका सीधा सा उदाहरण यह दे, दे देता हूं जैसे ही इन्हें स्वतंत्र देश घोषित किया गया तो टेक्निकली तो बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो जानी चाहिए थी यूक्रेन को एकदम गन लेकर के दाए 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 कर देना चाहिए था ऐसा कुछ नहीं हुआ यूक्रेन में बकायदा बढ़िया से स्कूलें खुली हुई हैं कॉलेज खुली हुई हैं लोग बकायदा अपने ऑफिस वैसे ही जा रहे हैं जैसे पहले जाते थे यानी यूक्रेन तो डे डेवन से यह जानता है कि यह हिस्सा हमारा है ही नहीं बस इसको बॉर्डर में बोल रखा है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आज हमारे जो चाइना के द्वारा अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो है तो भारत का लेकिन उसके ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है चीन ने कब्जा कर रखा है अब उस हिस्से पर चीन अपनी सेना भेजता है कि या उसे मतलब एक तरह से नॉर्मल क्षेत्र के रूप में कंसीडर करता है ये चीन और भारत की समझ है ये क्षेत्र बिल्कुल वैसा ही हो रखा था चीन और यूक्रेन के बीच के इस क्षेत्र को अभी तक रशिया के समर्थन वाला क्षेत्र माना जाता था मैं इसका प्रमाण देता हूं आपको प्रमाण यह है कि लोनास्क और डोनास्क क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति नौकरी से सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होता है तो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने वाले व्यक्ति को इवन सरकारी नौकरी नहीं मिलती पहली बात तो अगर गलती से कोई यहां सरकारी नौकरी लग गया तो उसे पेंशन नहीं मिलती इवन तनख्वाओं के लिए रुलाया जाता है ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लोगों को रशिया जाने की पूर्ण आजादी है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को रशिया ने बकायदा सिटीजनशिप जारी की हुई है सिटीजनशिप जारी की हुई है का मतलब यह हुआ कि यह लोग रशिया के नागरिक लगभग 10 लाख लोग इस क्षेत्र के रशिया की नागरिकता पहले से ही लेकर बैठे हुए हैं उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई हो यह क्षेत्र ऑलरेडी रशिया के समर्थन में लंबे समय से था पब्लिक डोमेन में अभी तक यहां पर रशिया की सेना आज तक घुसी नहीं थी बस यानी कि लोगों की नजर में यह जानकारी ओपनली अब आ गई है हालत यह है आप इस तरह से सोचिए जब पूरा वर्ल्ड कोरोना के अंदर डूब रहा था तो इस क्षेत्र के अंदर यूक्रेन ने इन लोगों के पास में वैक्सीन तक नहीं भेजी आप सोचिए कि इन क्षेत्रों में जो वैक्सीन लगी है वो रशिया के द्वारा भेजी गई स्पूतनिक जो वैक्सीन है वही वैक्सीन यहां पर लगी है इससे अंदाजा यह लगा सकते हैं कि यह क्षेत्र पहले से ही प्रो रशियन क्षेत्र है और यह क्षेत्र बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से चीन ने भारत के अक्साई चीन वाले स्थान को अपने अंडर में ले रखा है क्लियर है अब यहां पर हो यह गया है कि इसे इसने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है अब आप यह पूछना चाहेंगे जब यह था ही ऐसा तो फिर न्यूज क्यों बनी अगर ऐसा ही था तो फिर रूस के द्वारा सेनाएं भेजने की सुर्खियां क्यों बनी सुर्खियां जैसा था। का मतलब ये था कि रशिया लोगों के सामने ओपनली ये कह के नहीं आ रहा था कि मेरा इंटरफेयर इन स्थानों पर ऑलरेडी बना हुआ है वो यहां के लोगों को इस आधार पर मदद करता था कि आप चिंता ना करें मैं आपके साथ हूं अब आप आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर रूस के लोग यहां पर पहुंचे थे या फिर धीरे-धीरे जनता रूस के समर्थन में खड़ी हो गई ऐसा नहीं है यूक्रेन का खुद का जो जन्म है ये 1991 में हुआ है 1991 से पहले यूक्रेन और रूस ये सब एक ही देश हुआ करते थे जिन्हें सोवियत रूस के नाम से आप जानते थे कहने का अर्थ यह हुआ कि जो यूएसएसआर था उसके विघटन से रशिया और यूक्रेन अलग अलग देश बने थे कुल पंद्रह देशों में से दो देश ये भी थे इनमें सबसे शक्तिशाली देश रूस था इस रूस ने यूक्रेन में जो यूएसएसआर के समर्थक लोग रहते थे आप सोचकर देखिए कि अगर मान लीजिए किसी देश के टुकड़े हो जाएं तो ऐसा थोड़ी है कि टुकड़े होते ही लोगों का जनमानस बदल जाएगा उदाहरण के रूप में ऐसे समझिए कि आज महाराष्ट्र और कर्नाटक दो राज्य अलग अलग राज्य हैं लेकिन बेलगांव के जो लोग हैं जो कि कर्नाटक के अंदर ऑफिशियली हैं लेकिन वो भावनात्मक रूप से तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं ना यानी उनको ये लगता है कि हम मराठी बोलते हैं तो महाराष्ट्र के होने चाहिए एग्जैक्टली ऐसे ही यहां के लोग रशियन बोलते हैं रशियन कल्चर फॉलो करते हैं रशिया का बहुत समय से यूनाइटेड जो यूएसएसआर हुआ करता था उसका हिस्सा साथ है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का जो बाउंड्री वाला क्षेत्र है यानी भौगोलिक रूप से तो इन्हें ये पूरा क्षेत्र यूक्रेन को मिल गया था 1991 में लेकिन उसके बाद भी ये लोग मानसिक रूप से इमोशनल रूप से ये रशिया के साथ ही थे अब ऑफिशियली इन दो क्षेत्रों के ऊपर रूस ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये दोनों अलग स्वतंत्र देश हैं अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा सर जो स्वतंत्र देश डिक्लेअर कर दिया तो रूस की जीत कैसे हुई यानी रूस ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हम यह कहें कि वाह उसने तो कमाल कर दिया यानी दुनिया को धता बताते हुए बिना डरे उसने अटैक कर दिया जीत इस प्रकार से हुई उसने एक डिप्लोमेटिक चाल चली अगर दुनिया के सामने रूस की सेना डायरेक्ट यूक्रेन में घुस जाती तो आप लोगों को यह लगता कि रूस ने अतिक्रमण कर दिया लेकिन उससे एक रात पहले रशिया अनाउंस करता है कि ये दोनों अलग देश हो चुके हैं ऐसी स्थिति में किसी देश ने मुझसे सहायता मांगी है तो मैं अपनी सेना भेज रहा हूं लेकिन आपके मन में एक सवाल बनेगा सर क्या ऐसे देश बन जाते हैं क्या कल को ऐसे तो हम भी बलूचिस्तान को अलग देश मान लेते हैं ऐसे सर हम भी करके एक काम करते हैं बांग्लादेश को अपनी तरफ से ही अटैक कर देते हैं नेपाल को भी अपनी तरफ से अटैक कर देते हैं ऐसा हो जाता है क्या जी नहीं ऐसा नहीं होता है। कोई भी देश इतना आसानी से देश नहीं बन जाता है उसको यूनाइटेड नेशन के अधिकतम कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज करना होता है तो फिर आप पूछेंगे अगर ऐसा ही है तो सर एक बात बताइए ऐसा और कौन सा देश है जिसने इन्हें रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई हम तुम्हें मानते हैं कि तुम देश हो तो देखो रूस इस तरफ तो अपना राजा बना हुआ घूम ही रहा है सेंट्रल एशियन कंट्री सॉरी जो गल्फ कंट्रीज है वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो है इनके अंदर मेरे प्यारे साथियों एक देश है जिसका नाम है सीरिया जिसमें कि अल असद सरकार चल रही है उस सीरिया ने भी इन दोनों को स्वतंत्र देश डिक्लेयर कर दिया है कहा है कि हां मैं भी मानता हूं कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करता हूं एक देश के रूप में और कौन सा डोनास्क ने लोहांस को अलग देश मान लिया लोहांस ने डोनास्क को अलग देश मान लिया कि हम दोनों एक दूसरे को देश मानते हैं ये लीजिए इंटरनेशनली दो तीन मतलब एक तरह से लोहांस्क के बारे में पूछा जाए कि तुम्हें कितने देशों ने देश माना अलग से तो साहब आंसर बना कि मुझे तो सीरिया ने मान लिया मुझे तो रशिया ने मान लिया ऐसे ही औ, औ, और, और डोनेस्क ने मान लिया तो इस प्रकार से तीन तीन देशों ने इन्हें अलग मान्यता दे दी यानी ये बिल्कुल ताइवान वाला हिस्सा हो रहा है ताइवान वाला हिस्सा बोले तो जैसे ताइवान को कोई और देश माने ना माने दो पांच दस पंद्रह देश है जो उसे स्वतंत्र देश मानते हैं ऐसा इन्हें इसने स्वतंत्रता का राग पनपा दिया है उम्मीद है यह स्थिति अब तक क्लियर हो गई होगी आपके मन में अब जिज्ञासा जिज्ञासा बनने लगेंगी ये। दुनिया ने कैसे प्रतिक्रिया करी दुनिया ने प्रतिक्रिया करी भारत ने क्या प्रतिक्रिया करी युद्ध होगा कि नहीं होगा यानी हमको इंटरेस्ट नहीं है अतिक्रमण में यह बताओ गोलियां चलेंगी कि नहीं चलेंगी वो सारी बातें आगे चल करके अब मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस भी जान लीजिए इंपॉर्टेंस किसका डोनेस्क का और लोहांस्क का डोनेस्क का इंपॉर्टेंस यह है साथियों कि जब पहले स्टालिनो के नाम से जानी जाती थी ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है यहां पर बड़ी मात्रा में माइंस उपस्थित हैं हैं यदि पर पर देखा जाए तो लगभग 20 लाख लोग रहते यहां पर पूरी तरह से यूक्रेन का आयरन निकलता है वहीं लोहान के बारे में अगर हम बताएं, तो यह पहले के नाम से जाना जाता था यहां पंद्रह लाख लोग रहते हैं और यह ब्लैक सी के उत्तरी किनारे पर रूस से सीमा साझा करता है और यहां पर कोयले का बड़ा मामला है तो एक तरफ लोहा है एक तरफ कोयला है लोहांस्क में कोयला प्रचुरता से पाया जाता है क्लियर इन दोनों को आप यहां पर लोहांस्क और डोनास्क को अलग से देख सकते हैं रशिया से बॉर्डर साझा करते हुए आपको यह दिखाई दे रहा है याद रखिएगा अगर आप मैप को ध्यान से देखते चले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले समय में हो जाएंगे क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए भविष्य में संभव है कि दुनिया के देश रशिया पर आक्रमण कर दें ठीक है तो 19 फरवरी की न्यूज क्या थी रशिया के पुतिन ने यह कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति लोनास्क और डोनास्क क्षेत्र से रशिया आना चाहता है तो उसे रिफ्यूजी के रूप में मैं मान्यता देने को तैयार हूं वो रशिया के अंदर एंट्री करके आ सकता है साथियों कहने का मतलब यह है कि रशिया लगातार समय से इसके इंतजार में था कि हम जल्दी ही इस प्रकार का कार्य कर लेंगे साथियों अब मैं आपको एक देश और दिखाता हूं जूम करके जिसको आपको देखना चाहिए वो देश यहां पर है आठवें नंबर का देश जिसका नाम है जॉर्जिया साथियों जॉर्जिया देश में क्यों दिखा रहा हूं ताकि आपको यह बात पता चल सके आप देखिए शायद आप इसको पहचान जाएं यहां पर एक छोटू सा देश है जॉर्जिया के नाम से से इस तरफ से अगर आप देखें तो पश्चिमी रशिया की तरफ अगर आपको जॉर्जिया दिख रहा हो तो मैं इसको क्यों दिखाना चाह रहा हूं थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि वंस अपॉन ए टाइम साथियों रशिया के द्वारा जॉर्जिया के भी एक हिस्से को ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया था और उसका नाम दे दिया गया था साउथ ऑस्ट्रिया ध्यान से सुनिएगा आपको आपको जॉर्जिया नाम तो फिर भी सुना होगा आप लोगों ने साउथ ऑस्ट्रिया नाम नहीं सुना होगा साउथ ऑस्ट्रिया क्या है अब मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों साउथ ऑस्ट्रिया असल में रशिया के द्वारा जॉर्जिया के एक हिस्से को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया गया है वो साउथ ऑस्ट्रिया है आप पूछेंगे ये आज चर्चा में क्यों आया ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये भी वो देश है जिसने लोनास्क और डोनास्क को अलग से देश होने का दर्जा दिया है यानी कि ये भी वो उन देशों में शामिल है जो कि इन्हें अलग राष्ट्र मान रहा है तो एक प्रकार से आप इधर देख लीजिएगा रशिया के द्वारा जॉर्जिया के इस हिस्से को जिसका नाम है मैंने जो आपको बता दिया साउथ ऑस्ट्रिया 2008 में इसे अलग देश का दर्जा दे दिया गया था और इसका एक हिस्सा जिसका नाम है अब काजिया अब काजिया और जॉर्जिया का यह वाला हिस्सा साउथ ऑस्ट्रिया इन दोनों को भी 2008 में ऐसे ही रशिया ने अलग देश मान लिया था मतलब कहने का यह है कि यह दोनों क्षेत्र एक प्रकार से वो हैं जो कि रशिया के समर्थन में है और ऐसा रशिया पहले भी करता आया है तो कुछ भी नया नहीं हुआ कुछ भी नया नहीं हुआ से मतलब ये टैक्टिक पुरानी है जो कि रशिया ने अपनाई है लेकिन फिर आप पूछेंगे टैक्टिक पुरानी है तो इस समय हाय तोबा मचा हुआ क्यों है हाय तोबा इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अब ईगो का क्लैश पॉइंट था ईगो का क्लैश पॉइंट था कि दुनिया के जो लोग वो इस समय उम्मीद लगा के बैठे थे सारे काम हुए वो मैं आपको जानकारी यहां पर देना चाहूंगा आइए जरा देखते हैं किस प्रकार से सारे के सारे काम हुए हैं मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपको न्यूज दिखाई दे रही है इसके अंदर पुतिन ने ट्रुप्स को यूक्रेन में जाने के लिए कह दिया है कि यूक्रेन जाइए और वहां पर अटैक कर दीजिए यानी अटैक से मतलब है कि वहां पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर दीजिए सीरिया ने भी अपने द्वारा इनको वो कार्य कर दिया है ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ अब हम जानना चाहेंगे कि साहब ये बताओ वर्ल्ड का रिएक्शन क्या रहा दुनिया वालों ने विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा देखिए क्या कर सकते थे ये लोग यानी कि इन्होंने जो काम किया उससे उम्मीदें थी नहीं कि ये इतना बकवास काम करेंगे थोड़ी तो उम्मीद थी कि हाँ इतना माहौल बना रहे हो तो ढंग का काम कर लो बाइडों ने कहा कि हम इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो है ना सेंक्शन लगा दिया है अरे तुम सेंक्शन लगा के क्या ही करोगे उसकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है भाई यूके बोलता है कि अब रशिया को पाउंड नहीं मिलेगा डॉलर नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वर्ल्ड के लीडर्स ने बाइडेन ने एक ऑर्डर साइन करके ये कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रिबेल रीजन में हम होने नहीं देंगे यूएस ने कहा है कि हम सेंक्शन लगा देंगे फाइनेंशियल फर्म के ऊपर सॉवरिन डेट के ऊपर इंडिविजुअल आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस हम रशिया के सारी चीजों के ऊपर बैन लगा देंगे ठीक है साहब एक प्रकार से यह समझिए कि रशिया को अमेरिका की तरफ से जो डॉलर मिल रहे थे या फिर यह समझिए कि मार्केट में जो डॉलर चल रहे थे उनकी उपलब्धता में अब दिक्कतें आनी स्वाभाविक है लेकिन पुतिन बहुत पहले से कैलकुलेटेड थे कोई दिक्कत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि व्यापार में वो चीन के साथ पहले ही साझेदारी कर चुके हैं यानी उन्होंने पहले ही इस क्षेत्र को लेकर के अपने दिमाग आपको एक एक के बारे में जानकारी दूंगा और इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता हो ये जो सूचना निकल के आई ना कि यूक्रेन के ऊपर ये चढ़ाई कर रहा है आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन भाई साहब ने अटैक करने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रॉन को और जर्मनी के चांसलर को कॉल करके बताया है आप सोच के देखिए इन दिनों मैंने कल रात को ही एक सेशन अपने यूट्यूब पर डाला है आप फिर से देख लें कल भी पढ़ाया था मैंने फ्रांस की उभरती हुई छवि के बारे में मैंने कहा था कि किस प्रकार से फ्रांस इंपॉर्टेंट हो रहा है याद रखिए कि फ्रांस को इन्होंने फोन करके रात को यह बताया कि मैं इस प्रकार से यहां पर अटैक करने जा रहा हूं इन दोनों को स्वतंत्र देश बनाने जा रहा हूं यानी कि कह के किया है यानी कि यह हमला मजाक नहीं कह के किया गया हमला है आप पूछेंगे फिर उन लोगों ने क्या रिएक्शन दिया उनने कहा कि यार हम तो तुमको घर में बैठ के समझाने आए थे फ्रांस ने कहा कि मैं तो घर में बैठ के समझाने आया था आपको मैंने वो बात दूसरी है कि कोरोना जांच नहीं कराई कहीं तुम तो मेरा डीएनए सैंपल ना चुरा लो लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी ऐसे ही जर्मनी ने कहा जर्मनी ने कहा कि साहब पुतिन जो है ना वो सेल्फ एस्टीम वाले आदमी हैं पहले याद होगा ना आपको जर्मनी जर्मनी खुद मनवाने गया था यूक्रेन और इन दोनों के बीच में अपने यहां पर बिठा करके सम्मेलन भी करवाया दोनों के बीच दोस्ती कराने का भी प्रयास किया दोनों की बात रूस ने नहीं मानी तो इन दोनों ने भी अपने द्वारा अब जो धमकी दी है वो बहुत मायने वाली है जर्मनी ने कहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम टू गैस पाइपलाइन थी ध्यान से सुनिएगा बहुत बड़ी बात है जर्मनी तक जो रूस के माध्यम से गैस की पाइपलाइन डलने वाला एक ट्रिलियन डॉलर का काम चल रहा था जिससे कि रूस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था वो काम जर्मनी ने खुद ने ही रोक दिया है कि जाइए अब हम आपसे गैस नहीं ले रहे अब बड़ा सवाल यह बनेगा कि यदि जर्मनी ने गैस लेने से इनकार कर दिया यह छोटी मोटी बात नहीं है ऐसी स्थिति के अंदर अगर यह बात हुई है तो यह बात मानकर चलिए कि अगर गैस पाइपलाइन का काम रुकता है तो निश्चित ही रशिया को बहुत बड़ा सेटबैक इससे लगेगा रात की न्यूज है और वो न्यूज यह है आप इधर देख सकते हैं आपकी न्यूज आज 23 तारीख है आप 23 तारीख के दिन सुबह पांच बजे की न्यूज देख रहे हैं और उस न्यूज के अंदर यह बात डाली गई है और वो क्या है इधर देख लीजिएगा रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर यूएस ने 27 यूरोपियन यूनियन देशों के साथ मिलकर बैठक करी और उसमें यह कहा कि हम लोग सब मिलकर के रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तो ये जो सैंक्शन है ना जिसके माध्यम से नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बैन हो जाएगी ये रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सेटबैक बनने वाला है यानी कि एक प्रकार से आप ऐसे समझिएगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यदि मिलकर के एक साथ काम करती है क्योंकि रशिया को कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि आने वाले टाइम में संभव है कि जो आ, मतलब जर्मनी है या फ्रांस जो है वो उसके साथ में दोस्ती रख लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने मिलकर के इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है आप देख सकते हैं इन्होंने गैस पाइपलाइन का जो कार्यक्रम है इसको हॉल्ट कर दिया है जैसे ही ये जानकारी बाहर निकल करके आती है आपको मालूम होना चाहिए नॉर्ड गैस पाइपलाइन रशिया का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि लगभग 11.6 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ट्रिलियंस की इकोनॉमी वजह से ग्रो कर जाएगी लेकिन इस गैस पाइपलाइन के बंद होते ही नुकसान दोनों को होने वाला है इन्हें पैसा मिलना बंद हो जाएगा रशिया वालों को वही जर्मनी जैसे देशों को या फिर जो यूरोपियन देश है इनको गैस की किल्लत आ जाएगी स्थिति यह है गैस की किल्लत आने से यूरोप के अंदर गैस के भाव दो से लेकर तीन गुना तक बढ़ सकते हैं क्योंकि दुनिया में गैस के लार्जेस्ट सप्लायर्स में से रशिया है अगर उसने अपनी गैस सप्लाई रोक भी दी यानी नॉर्थ गैस पाइपलाइन रोक दी तो यूरोप के अंदर गैस के दाम बढ़ जाएंगे जिससे निश्चित ही महंगाई बढ़ेगी यानी कि इसका प्रभाव दिख रहा है अब आप पूछना चाहेंगे सर चाइना ने क्या कहा और सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिया ने क्या कहा दुनिया का तो हमने सुन लिया हमने ये सुन लिया कि बड़े बड़े यूरोपियन यूनियन अमेरिका ये सब पर उतारू हो गए यूके ने तो यहां तक कह दिया है कि हम अब रशिया को डॉलर और पाउंड पहुंचने ही नहीं देंगे यानी उसको विदेशी मुद्रा से बाहर कर देंगे अमेरिका ने कहा है कि वो अपने द्वारा सेंक्शन लगा देगा सब कुछ हो गया इंडिया और चाइना क्या कहते हैं दोनों ने एक जैसी बात बोली और क्या कहा इन्होंने कहा कि हम इस बात का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं हम इसमें किसी भी प्रकार के सैंक्शन का पक्षधर नहीं है भाई साहब यह चीन का स्टेटमेंट है और ऐसा ही स्टेटमेंट भारत का भी है यानी भारत और चीन एक प्रकार से इस पूरी घटना के अंदर रशिया के साथ बैठकर चले जा रहे हैं कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोगों ने इस पूरी की पूरी घटनाक्रम पर अपनी वही स्थिति क्लियर रखी है जो हमने यूनाइटेड नेशन में रखी थी हमने पहले भी जो एग्रीमेंट हुआ बेलारूस की राजधानी मिन में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट था उसी को दोहराने की बात की बात है है और यह कहा है कि दुनियादारी इन दो के पचड़े में ना पड़े ये दोनों आपस में टेबल पर बैठकर सॉल्यूशन ढूंढ लें इंटरफेयर के नाम पर वर्ल्ड इसमें इंटरफेयर ना करें ये इंडिया का स्टेटमेंट है यही चीन का स्टेटमेंट है अब आप जानना चाहेंगे अगर यह स्टेटमेंट है तो ऐसी स्थिति में क्या कयास लगाया जाए क्योंकि देखिए भारत तो वैसे भी शांति प्रिय राष्ट्र है किसी पर अटैक करता नहीं है लेकिन ट्रंप की अगर बात माने तो ट्रंप ने तुरंत इस घटना के थोड़ी ही देर बाद अपने द्वारा ट्वीट कर दिया और कहा 22 तारीख के दिन ट्रंप ने कहा कि देख लीजिए साहब बात यह है ट्रंप ने अपने सूत्रों से हवाले से कहा कि इसका सीधा सा मतलब यह मान लो कि अब ताइवान पर अटैक होने वाला है यानी कि जब अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा पाया तो इसका मतलब यह समझ लीजिए कि जब रशिया के काम पर चीन ने मूक सहमति दे दी तो आने वाले समय पर चीन के द्वारा ताइवान पर हमला किया जाएगा और रशिया उसे समर्थन देगा यानी कि जो प्रडिक्शंस चले आ रहे थे ट्रंप की भी अगर बात माने तो यह समझ लीजिए कि ताइवान के ऊपर चीन अब वैसा ही काम करने वाला है जैसा कि रशिया ने यूक्रेन पर किया है कहने का मतलब सिंपल है साथियों कि केवल और केवल और अमेरिका आज तक के व्यवहार से तो केवल व्यापारी निकला इसके अलावा कुछ नहीं निकला यानी कि लड़ने की हिम्मत इसकी नहीं हुई रशिया यहां पर एक बोल्ड इमेज के साथ सामने निकलकर आया है मोस्ट प्रोडिक्टेड जो युद्ध था वो होने की उम्मीद थी लेकिन कब्जा करने में फिर से यूक्रेन पर चब कब्जा करने में यह कामयाब हुआ है रशिया ने जो काम किया उससे उसकी अब और पब्लिक एक्सेप्टेंस बढ़ने वाली है जापान ने कहा है कि यूएस के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा हम उसके साथ रहने वाले हैं और रहकर के हम उसके साथ मिलकर के सारे काम करेंगे फ्रांस ने कहा है कि हम अब फ्रांस के द्वारा कहा गया है कि रशिया के ऊपर हम टारगेटेड होकर के सेंक्शन लगाएंगे यानी टारगेटेड होकर के उसको टारगेट करके कि भाई इस चीज को बैन करना चाहिए इस चीज को नहीं करना चाहिए ये सब करेंगे अब आप पूछना चाहेंगे यूएन ने क्या कहा है यूएन कह क्या सकता है रूएन ने कहा Greatly concerned by Russia's decision status और हम यहां पर नजर रखे हुए हैं हम पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में हैं केवल समर्थन में होने से कुछ नहीं होता क्योंकि दुनिया की ताकतें बटी हुई हैं चीन और रशिया एक तरफ खड़े हैं इसलिए कोई मीनिंग नहीं निकल करके आता दुनिया भर के तमाम संगठनों के द्वारा नाटो के चीफ ने ऑब्वियस ही बात है नाटो के चलते ही सारे बवाल हुए थे उन्होंने ऑब्वियसली यूक्रेन का पक्ष लिया है लेकिन निकलकर कुछ नहीं आया है यूके ने सेंशन की बात कर दी है कहा है कि पांच रशियन बैंक को यूके में काम करना बंद करा देंगे इसका क्या अर्थ निकलेगा यह आने वाले समय पर लगेगा अमेरिका ने पहला सैंक्शन साइन भी कर दिया है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं रशिया का जो रिकॉग्नीशन हुआ दो देशों को लेकर के तुर्की ने इस पर क्या कहा यह बहुत मायने रखता है अब आप पूछ चाहेंगे तुर्की को बीच में क्यों ले आए क्योंकि तुर्की जो था ना वो इन दिनों दो स्थितियों पर सवार था एक तरफ रशिया से दोस्ती बढ़ा रहा था एक तरफ अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा था और तुर्की जो है ना वो स्टैंड लेना सीख गया है यानी या तो इस धड़े में या उस धड़े में चूंकि तुर्की नाटो का मेंबर है और इस समय पर उसने नाटो का ही साथ दिया है उम्मीद की जा रही थी कि वो रशिया के समर्थन में बात बोलेगा लेकिन तुर्की ने कहा है कि ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है कि रशिया जो है वो डोनास्क और लोहांस्क को अलग देश डिक्लेयर करे यानी एक प्रकार से समझिए कि तुर्की रशिया के खिलाफ बयान दिया है बयान का अर्थ हुआ कि नाटो के साथ मिलकर के ही जो भी कार्य होगा उसमें कार्य करेगा इंडिया ने कंसर्न तो जारी किया लेकिन कोई कमेंट नहीं दिया इंडिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है साहब इनको दोनों को मिलकर के सारी बातें करनी चाहिए थी ये सारी की सारी बातें जो आपके सामने निकल करके आ रही हैं पुतिन ने जैसे ही इन दोनों को अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया तुरंत इन दोनों देशों के साथ मिलकर के पैक्ट साइन किया और कहा कि आप दोनों को अब मेरी सुरक्षा मिलेगी अगले दस साल तक रूस और यूक्रेन के बीच में अब जो है ना हमने आपको यह बता दिया है है कि साइन हो गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और बनेगा सर इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं इतने सारे सेंक्शन का फर्क पड़ेगा क्या क्या कोई फर्क पड़ सकता है क्या यानी कि रूस को या यूक्रेन को कोई फर्क पड़ सकता है क्या बिल्कुल आइए जरा चर्चा करते हैं आइए साथियों जानते हैं क्या फर्क पड़ेगा दुनिया के अगर हम टॉप टेन देश जाने जो कि गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि टॉप एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स में अब रूस का नाम निकल करके आता है याद रखिएगा यूरोपियन क्षेत्रों में तो यूक्रेन को गेहूं का कटोरे के रूप में जाना जाता है रूस और यूक्रेन आजकल जमा करके गेहूं प्रोड्यूस करते हैं और उसे एक्सपोर्ट करते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदने वाले जो टॉप देश हैं इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है गेहूं के मामले में संकट बता रहा हूं आप पूछना चाहेंगे कि कौन सा देश किससे गेहूं परचेज करता है तो साथियों रूस से जो देश गेहूं परचेज करते हैं उसमें मिस्र है तुर्की है इंडोनेशिया है बांग्लादेश है नाइजीरिया है यमन है अजरबैजान है ट्यूनिशिया है थाईलैंड है ये देश जो गेहूं परचेज करते हैं इनके ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फिर आप पूछेंगे सर रूस से अगर किसी ने व्यापार बंद कर दिया तो क्या नुकसान पड़ेगा तो एक बात बताइए सर क्या रूस कोई सामान एक्सपोर्ट करता है क्या बिल्कुल गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के जो टॉप टेन देश हैं उसमें इस समय रूस का नंबर सबसे पहले आता है दुनिया के टॉप टेन जो है उनमें नंबर वन पर रूस है इसके साथ साथ आप देख सकते हैं गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के टॉप टेन देशों में रूस अमेरिका कैनेडा फ्रांस यूक्रेन अर्जेंटीना ये सब निकल करके आते हैं दो की जानकारी के हिसाब से आप देख सकते हैं अब एक चीज यहां पर और जान लीजिएगा अगर ये एक्सपोर्ट रुख है, तो दुनिया को भारत जो है वो गेहूं बेच पाएगा यानी गेहूं के एक्सपोर्ट में अब इंडिया की स्थिति मजबूत हो जाएगी यदि तो गेहूं जा रूस किन किन सामान को एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा सामान में ये करता है क्रूड ऑयल को रिफाइनरी प्रोडक्ट को पेट्रोलियम गैस को, को और गेहूं को रूस कितने किन देशों से सबसे ज्यादा सामान बेचता है चीन को नीदरलैंड को बेलारूस को जर्मनी को और इटली को अब आप यहां पर देख सकते हैं इनमें से चीन जो है वो इससे सामान खरीदता रहेगा बेलारूस इससे सामान खरीदता रहेगा इसका 18 परसेंट जो व्यापार है वो प्रभावित हो सकता है यानी आधा व्यापार इसका प्रभावित हो सकता है यहां से आपको पता चलना चाहिए अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का मेजर हिस्सा जो लोहे का था उसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया है रूस ने कब्जा कर लिया है ऐसी स्थिति के अंदर कब्जा कर लिया का मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बना के अपनी सेना भेज दी है तो इसका यह एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा एक प्रकार से यह समझिए कि यूक्रेन मक्का लोहा गेहूं वनस्ट पति तेल और कच्चे लोहे का एक्सपोर्ट करता है ऐसी स्थिति के अंदर उसकी इन चीजों को प्रभावित समझा जाएगा अब आप पूछेंगे कि सर भारत क्या कर रहा है भारत ने वहां पर रह रहे कुछ लोगों के लिए कुछ किया है क्या बिल्कुल किया है भारत ने एयर इंडिया की सात फ्लाइटें यूक्रेन में रह रहे लोगों के लिए भारत लगाने के लिए लगा दी हैं यानी कि एक प्रकार से लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए भारत ने अपनी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है यूक्रेन से भारत आ सकने के लिए बाईस चौबीस और छब्बीस फरवरी को बोरिस्पियल एयरपोर्ट से फ्लाइट भारत आएंगी पच्चीस सत्ताईस और छह मार्च को कीव से दिल्ली के लिए चार फ्लाइट उड़ान भरेंगी यदि आपका कोई निजी जन वहां पर फंसा हुआ है या पर डॉक्टरी करने वहां गया हुआ है तो आप उसे सलाह दे सकते हैं कि वो www.airindia.in पर अपनी सीट रिजर्व करा ले और वो इनसे लौट करके भारत लगा चला आए क्योंकि अभी फिलहाल स्थितियां सामान्य वहां पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही अगर आप इंडियन एंबेसी का नंबर जानना चाहते हैं तो ये इंडियन एंबेसी का नंबर है आप इन पर कॉल करके अपने लोगों को जो लोग इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपको यह भारत का वहां पर जो एम्बेसी uh, है वहां पर यह सारी जानकारियां प्राप्त तो हो जाएंगी यूक्रेन में रहने वाले परिवार के सदस्यों की जानकारी लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं फैक्स भेज सकते हैं कहने का मतलब यह है कि आप इस बात की गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि जब वहां पर रह रहे लोगों के लिए भारत सरकार नंबर जारी कर रही है इसका मतलब स्थिति गंभीर है इस विषय को आपको समझना होगा उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को इस विषय के सारे पहलू डिस्कस कर दिए हैं और अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो इसे ज़्यादा ज़्यादा से जादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करने का कष्ट करें तमाम साथियों के साथ इस सेशन को शेयर करें अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते रहें इस विषय के अंदर हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया वो दो घड़ियों में है रूस ने आक्रमण कर दिया है यूक्रेन पर अपनी सेनाएं भेज दी हैं यूक्रेन में यह पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट दुनिया ने क्या प्रतिक्रिया दी और भारत की क्या प्रतिक्रिया रही यह पूरी बात मैंने आपके इस सेशन में कंप्लीट करने का प्रयास किया है आप देख सकते हैं कि हमने सुबह पांच बजे तक इस सेशन को अपडेट किया है इससे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कि ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ अभी नहीं है, यानी कल रात से लेकर के आज रात के बीच में जो भी घटनाएं यूक्रेन से संबंधित निकली वो तो एक ही सेशन में कंप्लीट करने का हमने प्रयास किया है हालांकि सेशन लंबा हो गया लेकिन अगर आपने इसे देख लिया तो एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो गई ठीक है चलिए साथियों सेशन को आगे बढ़ाते हैं साथियों को लाइव लाते हैं सेशन को शेयर करते चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे जानिए स्विस स्विस बैंक स्विस बैंक जो कि अक्सर जानी जाती हैं लोगों के राज रखने के लिए राज से मतलब है कि ऐसी ऐसी स्थितियां जिसके पास बहुत सारा पैसा हो तो कहते हैं कि इसने अपना पैसा स्विस बैंक के खातों में छुपा रखा होगा सोचिए जब भारत सरकार जो आज की वर्तमान सरकार मोदी सरकार है जब 2014 में चुनाव जीत के आई थी तो कहा था कि इतना काला धन स्विस बैंक के अकाउंट में छुपा हुआ है कि अगर वो धन वापस लौट आए तो शायद प्रत्येक भारतवासी के अकाउंट में पंद्रह पंद्रह लाख जो कि जुमला था मुझे याद नहीं है कितना अमाउंट है वो लिख के मुझे बता दें आप हाँ, उतना पैसा लौट करके आपके अकाउंट में आ जाएगा उसी स्विस बैंक के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम में से बहुत सारे लोगों ने तमाम समय पर बाबा रामदेव से भारत सरकार से ये जानने का प्रयास किया कि बताइए कितना काला धन रखा है स्विस बैंक के अकाउंट में सरकार सात साल से है लेकिन हमें अभी तक यह नहीं पता चला कि किसका पैसा कितना स्विस बैंक के अकाउंट में है साथियों लेकिन एक साहब न्यूज पत्रकार था या एक समझिए कि एक समाचार समूह था उसने ये खाका खोल दिया है खाका क्या खोल दिया है उसने बकायदा स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी बैंक जिसका नाम है क्रेडिट स्विस करके जिसका नाम है उसके खाते लीक कर दिए हैं और बता दिया है कि किस बच्चे का किस व्यक्ति का कितना धन स्विस अकाउंट में रखा हुआ है है ना इंटरेस्टिंग बात क्या है ये स्विस बैंक की कहानी आइए अब आपको बताते हैं क्योंकि स्विस बैंक आपके लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है काला धन भारत के लिए बहुत बड़ा बवाल रहा है ऐसी स्थिति में आपकी आंखें खुली रहेंगी ये जानने के लिए माई गॉड किसका नाम इसमें निकल के आएगा अब तो जानने की बात होगी चलिए जानते हैं साथियों बताते हैं साथियों कौन सा बैंक स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है तो नाम है इसका क्रेडिट स्विस जिसके बारे में सारी जानकारी निकल करके आ रही है इसका नंबर वन बैंक कौन सा है इसका नाम है यूबीएस ग्रुप एजी बैंक अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ इन बैंकों में अच्छा पहले ही मुझे यह बताओ सर स्विस बैंक फेमस क्यों होती है मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी देता हूं फिर मैं आपको लेकर के यहां पर लौटूंगा साथियों अगर हम बात करें कि स्विस बैंक दुनिया भर में फेमस क्यों है इसके बारे में बहुत तगड़ा कारण है देखिए आप और हम अपनी बैंक में पैसा रखते हैं हर एक जानकारी सबको प्राप्त हो जाती है कि साहब इसके अकाउंट में इतना पैसा है सरकार जिसका चाहे अकाउंट चेक कर सकती है सोचो अगर कोई देश का राष्ट्र अध्यक्ष पहले ही यह सोच ले कि मैं किसी को यह नहीं बताऊंगा कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है तो यार इससे बढ़िया तिजोरी क्या हो सकती है मैं आपसे यह कहता हूं भारत सरकार अगर यह कह दे कि बच्चों बैंक मतलब लोगों बैंक में पैसा जमा कराओ जिसके पास जितना पैसा है, करा दो जमा हम किसी को यह नहीं बताएंगे कि, कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है और हम उसकी उस डिटेल के आधार पर किसी के घर पर रेड भी नहीं मारेंगे हम खुद भी चेक नहीं करेंगे कि उसने अकाउंट में क्या भर रखा है डालो बस बैंक में पैसा डाल दो अब आप पूछेंगे सर बैंक में पैसा डालने से होता क्या है बैंक में पैसा डालने से भैया बैंक जो दुनिया को लोन बांटती हैं वो असल में लोन अपने अकाउंट में डले हुए पैसे से ही तो बांटती हैं सोचिए जरा एक बार के लिए अगर आज हमारी एस या हमारी जो कमर्शियल बैंक है उनको यह आजादी दे दी जाए कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा डाला जाएगा वो किसी को नहीं बताया जाएगा और तो और सरकार को भी नहीं बताया जाएगा सोचिए कोई आदमी अपने घर में बोरों में छुपा के पैसा क्यों रखेगा फिर तो बैंक में ही रखेगा आयकर विभाग को भी मत बताओ फिर आप पूछेंगे इससे इससे क्या फायदा इससे फायदा बैंक के 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 पास अथा पैसा हो गया फिर भारत सरकार उस पैसे को लेकर के देश के अंदर विकास कार्य करा ले या फिर सरकार लोन लेके दुनिया में बांटे भाई जिसका काला धन है वो तो अंदर है और उससे देश का काम चल रहा है स्विट्जरलैंड वालों को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई अठारहवीं सदी की बात है कि वहां के जो उस समय के समय वो हुआ करते थे राष्ट्राध्यक्ष उस समय 1773 के 13 के अंदर स्विस गवर्नमेंट ने एक फैसला लेने का निर्णय लिया कि हम ऐसी सुविधा दुनिया को देंगे कि आप हमारे अकाउंट में पैसा रखो हम किसी को जानकारी नहीं देंगे और जानकारी छोड़ो सरकार भी जानकारी उसके बारे में इकट्ठा नहीं करेगी भाई साहब ऐसा करके बकायदा 1934 के अंदर स्विट्जरलैंड वालों ने अपने लिए एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था फेडरल एक्ट ऑन बैंक एंड सेविंग बैंक इसको बैंकिंग लॉ ऑफ 1934 के नाम से जानते हैं या स्विस बैंकिंग एक्ट के नाम से जानते हैं इस लॉ के अंदर आर्टिकल 47 जो है वो ये कहता है कि ये क्राइम होगा अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कस्टमर की कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में निकाल दी आप सोच के देखिए आप बैंक के कर्मचारी हैं और अगर आपने अपनी जानकारी अगर बैंक के अकाउंट में कितना पैसा रखा है यह जानकारी किसी को भी दे दी तो सरकारी नियमों के अनुसार वो एक बहुत बड़ा क्राइम है मतलब आप सोच कर देख सकते हैं कि क्या बात हो रही है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मतलब आप यह सोच सकते हैं मेड इट क्राइम टू रिवील डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि यह गुना है अगर किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन बाहर आ गई इंक्लूडिंग गवर्नमेंट विदाउट देयर कंसेंट आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आप सरकार में होते हुए भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते अंटिल अनलेस सरकार के पास उस व्यक्ति की कोई क्रिमिनल इंफॉर्मेशन ना जाए कि यह अपराधी है इसने अपना धन छुपा कर रखा हुआ है तो सरकार बैंक को बोल करके जानकारी बाहर निकाल सकती है आगे बात समझ में कितना सख्त कानून है इससे अंदाजा आप लगा लीजिए आप इससे यह समझ जाइए कि यह इतनी बड़ी चीज है कि ये दुनिया भर के जितने भी रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सबके लिए स्वर्ग हुआ अब इस स्वर्ग में सेंध मार दी एक जर्मनी के अखबार ने जर्मनी के एक अखबार ने इस स्वर्ग में सेंध मार करके इसकी जानकारी निकाल ली साहब जानकारी क्या निकाल ली साहब? अठारह हजार बैंक अकाउंट जिनके अंदर जो पैसा रखा है वो है हंड्रेड बिलियन डॉलर उसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल ली साहब न्यूज तो बड़ी हो गई ना यार आप अंदाजा लगाइए एक अखबार जिसका नाम है अब ये देखिए जर्मन भाषा में लिखा हुआ है जिसको जर्मन आती हो वो पढ़ ले अपन लोग इसको प्रोनशिएट करके कुछ भी निकालें आपको तो केवल यही समझना है कि जर्मन अखबार है इसने क्या किया अठारह हजार बैंक खातों का इस क्रेडिट सुस बैंक नाम की जो बैंक है इसमें से डेटा निकाल लिया और यह पता लगा लिया कि इसमें हंड्रेड बिलियन डॉलर रखा हुआ है आप सबकी धड़कने चढ़ी हुई हैं आप लोगों को लग रहा है कि अब अब भारत वालों का नंबर आएगा अब पता चलेगा किसका नाम आया इसके अंदर मजा आ रहा होगा सांसे धाम के धाम के बैठो तभी तो क्लाइमेक्स तक पहुंचने में मजा आएगा तो भाई साहब इन्होंने बकायदा डेटा निकाला और कहा कि ये अकाउंट यहां पर 1940 से लेकर के 2010 के बीच में खोले गए थे अभी लेकिन ये अकाउंट यहां पर ऑपरेशनल नहीं है ऑपरेशनल नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1940 से लेकर के 2010 के बीच में यहां अकाउंट खुले थे उनकी जानकारी भी बाहर आ जाए तो पुरानी सरकारों के बारे में जानकारी तो पता चल ही जाएगी लेकिन ये अकाउंट अभी चालू नहीं है पुराने डेटा निकल के आए जिसमें हंड्रेड बिलियन डॉलर डला हुआ है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप पूछेंगे ये जानकारी कैसे निकालें हाँ एक विद्यार्थी करें हमें धक धक हो रही है माधुरी दीक्षित बने बैठे हैं बच्चे हैं अब आइए अब इस क्रेडिट स्विस नामक बैंक के अंदर 163 आ, एक सौ तिरसठ जर्नलिस्ट लगे बच्चे जल्दी बता अब तो नहीं बताएंगे बिल्कुल नहीं ना माहौल बनाएंगे पहले एक 46 मीडिया आउटलेट्स इसके अंदर लगे 36 देश इसके अंदर ढूंढने के लिए लगे तब जाकर के यह जानकारी जुटाई गई साथियों इन्वेस्टिगेशन कंसोर्टियम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट के अनुसार इस डेटा को लीक मतलब न्यू वो किया गया जर्मन अखबार के अंदर और इस जानकारी को दुनिया के सामने लाया गया अब आप जानकारी जानना चाहेंगे रहो और परेशान हां साहब अब आपके सामने जानकारी निकालते हैं एक एक करके सुनते चलिए वो बात दूसरी है कि आप बाद में जो है ना मुझे भला बुरा कहेंगे लेकिन सुनते चलिए सब पहली जानकारी ये निकल के आई कि यहां पर जो सबसे ज्यादा धन था वो इजिप्ट का रखा हुआ था इजिप्ट का लगभग दो हजार से ज्यादा अकाउंट यहां पर थे इजिप्ट के द्वारा यानी मिस्र के एक दो से ज्यादा अकाउंट थे वेनेजुएला आप इन सभी देशों को देखें या तो यहां तानाशाही रही है या यहां पर साम्यवादी सरकारें रही हैं मतलब एक बात क्लियर रखिएगा जितने भी देशों के मैं नाम लेने जा रहा हूं आप इनके बारे में कोई ना कोई बात जरूर जानते हैं है ना मुबारक जानते हैं या फिर वेनेजुएला की आप वो स्थिति जानते हैं जिस समय की पूरी तरह से यानी कि रुपये मतलब नोटबंदी यहां पर भी हुई थी बुरी तरह से कनकर मतलब फेल हो चुका देश है जिस है जिसमें तेल बहुत लेकिन काम का नहीं है यूक्रेन जो कि इस समय कठपुतली बना घूम रहा है इसके एक हजार से ज्यादा अकाउंट है यहां पे थाईलैंड जहां पर राजशाही के खिलाफ एनी टाइम बवाल चलता रहता है ऐसे लोगों के खिलाफ यहां पर जानकारी निकल करके आई इतने सारे बड़े अकाउंट यहां पर निकल करके आए जो इजिप्ट के पहले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था होसनी मुबारक उनके बच्चे और उनके पास में एक सौ मिलियन डॉलर की संपत्ति 2003 में यहां पर रखी गई थी आप सोचकर देख सकते हैं कितना धन यहां पर रखा गया था दो, एक सौ छियानवे मिलियन डॉलर की संपत्ति यहां पर रखी गई थी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे ही किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के हैं जो इसराइल का पड़ोसी है उसके द्वारा 224 मिलियन डॉलर की संपत्ति यहां पर रखी गई थी इसके साथ साथ अगर हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको जिम्बाब्वे जो पूरी तरह बर्बाद देश

मुझसे नहीं जर्मनी न्यूज़पेपर वालों से कहो मैंने तो खूब ढूंढ लिया मुझे कोई इंडियन की खबर नहीं मिली है क्रेडिट सु के बारे में जानकारी मिली 2010 तक के आंकड़े मिल गए आप कहते पहले ही पता चल जाता तो फिर 15 लाख की उम्मीद क्यों लगा के रखते कि अकाउंट में पंद्रह लाख हमारे आएगा भाई अपने वाले समझदार हैं वो किसी और अकाउंट में रखे हुए हैं अब आप पूछेंगे क्या स्विट्जरलैंड में इकलौती ऐसी बैंक है क्या नहीं 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 क्रेडिट स्विस ही एक बैंक नहीं है इससे बड़ी बैंक भी यूएसबी बैंक है जो नंबर वन है ये नंबर दो बैंक है यहां की इसकी संपत्ति ट्रिलियंस में है अगर हम इसके अंदर कुल खाता जो पैसा रखकर के क्रेडिट स्विस बैंक बैठी है वो भारत की जीडीपी का तीन गुना पैसा इस बैंक के पास है लगभग दस ट्रिलियन डॉलर का पैसा स्विट्जरलैंड की इस बैंक के पास है ये बैंक आपने कुछ दिनों पहले भी सुनी है अगर आपको याद हो ये वही बैंक है जिसका जिक्र हमने स्पाइस जेट के साथ किया था अगर आपने मेरी एक न्यूज देखी हो मैंने कहा था कि क्या स्पाइस जेट एयरलाइन बंद हो जाएगी उसमें क्रेडिट स्विस से लिया गया पैसा ही था जो ये चुका नहीं पा रहे थे जिसके चलते उन्होंने स्पाइस जेट को बंद कराने के लिए सरकार को निवेदन कर दिया था ये वही वाली बैंक है ठीक है अभी और भी बैंकें हैं उम्मीदें रखिए क्या पता किसी और बैंक में पैसा रखा हुआ हो या फिर पता चले नेताजी के घर में ही पैसा दबा हुआ हो

कि उनकी डेटा लीक हो गई कुछ कहा कि नहीं किया तो साहब ऐसी स्थिति में क्रेडिट स्विस ने कहा है ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ ये सब फर्जी बातें हैं लोग झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ ये केवल माहौलबाजी के लिए कही गई बातें हैं हम तो एकदम स्वच्छ हैं और सात्विक हैं ये क्रेडिट स्विस का कहना है उम्मीद है कि साहब आप लोग इस जानकारी से सहमत होंगे जो हमने आपको यहां पर दी है ठीक है ना अब आप पूछना चाहेंगे कि सर भारत की भारत सरकार को भी तो स्विट्जरलैंड सरकार ने कोई जानकारी दी होगी हां भारत ने अपने द्वारा क्रिमिनल्स की लिस्ट बना करके दी काला का, काले धन की जानकारी के लिए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के यहां पर चार हजार करोड़ रुपए जमा है चार हजार करोड़ कस्टमर डिपॉजिट है इकतीस सौ करोड़ दूसरे बैंकों के जरिए जमा कराया गया है सोलह पॉइंट पांच करोड़ रुपए ट्रस्ट के जरिए जमा कराया गया है तेरह करोड़ रुपए जो है बॉन्ड सिक्योरिटी और अन्य के माध्यम से यहां पर जमा कराया गया है ऐसा 2020 तक की रिपोर्टिंग के अनुसार पता चला है यह भारत का डेटा है लेकिन स्विस बैंक का डेटा नहीं है मतलब स्विस बैंक से मतलब क्रेडिट स्विस नाम से जो बैंक है उसका डेटा यह नहीं है तो हताश निराश परेशान ना हो बीस हजार करोड़ साहब हमारे यहां पर छोटी मोटी कंपनियां लेके भाग जाती हैं अभी वो कौन सी शिपयार्ड कंपनी थी के गुजरात वाली है जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि भारत की बैंकों का सबसे बड़ा घोटाला माल्या नीरव मोदी सबसे ऊपर निकल गया वो अकेला लेके भाग लिया तो ये कोई बड़ी रकम नहीं फीलिंग ही नहीं आई इसको सुनने के बाद में ऐसा लग रहा है बीस हजार सात सौ करोड़ रुपए का क्या ही मतलब है यार ठीक ही है मतलब फील नहीं आ रही सर थोड़ी बढ़िया रकम बताइए है तो मतलब यही है साहब तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही हो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों विद्यार्थी पूछो देखो साहब ये यही सबसे बड़ी बात है एक का हमको मजा आ गया और मजा ये है एक बच्चा पूछ रहा है सर इस बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है कहां से पाते हो मतलब इतना दिमाग है मैं चोरी के धन पर जो है वो आप ब्याज भी पाते हैं वाह भाई धन ये ये है भारतीय जागरूक नागरिक जिसे भाई साहब मूल से नहीं ब्याज से मतलब है बहुत सही कन्वेंशनल आदमी हो यार बहुत सही है बहुत सही है ए करके है ना ए जो है ठीक है चाहिए तो उम्मीद है कि आप लोगों को विद्यार्थी का पंद्रह लाख का सपना टूट गया है अपने घर वालों को और दिखाइएगा कि ये लीजिए सपना तोड़ें आपका ये तोड़ा देखिए चलिए तो उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई हो हाँ भाई जानकारी से याद आया अगर आपको ये कंटेंट जो हम यहां दिखाते हैं पढ़ाते हैं अगर ये चाहिए तो आप हमारे नाम से टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से उस पर पा सकते हैं और जी के भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से भी है उस पर भी ये क्लास पूरी होने के बाद कंटेंट आपको मिल जाएगा और हाँ एक और चीज आज से हम करने जा रहे हैं

अब हम इधर की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ ये भाई साहब भारत के गौरव का प्रश्न है भारत की आन बान शान का प्रश्न है पर आज न्यूज पता नहीं कहा है इतनी बढ़िया बढ़िया आ गई हैं हालांकि हमको लग रहा था कि यूक्रेन संकट के बाद शायद ही कोई न्यूज आएगी लेकिन न्यूज बढ़िया बढ़िया है आज हमारे पास में क्या है न्यूज साहब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यार वो सेशन शेयर वेयर करने का ऑप्शन होता है कर दिया करो कंजूसी मत किया करो सेशन शेयर कर दो बोलना नहीं पड़ना चाहिए वीडियो को लाइक कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर जब क्लास खत्म हो जाए थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी शब्द लिख दिया करो दो चार की हाँ साहब समझ आया कि नहीं आया या फिर जो भी अपना सलाह है वो दे दिया करो है ये काम बोलने के नहीं होते हैं सुनिए साहब आगे राष्ट्रपति फ्लीट समीक्षा क्या है गजब की न्यूज है सर भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई खबर है खबर यह है कि भारत अपनी आजादी की पिछहत्तरवीं साल ग्रह मनाने जा रहा है और ऐसी स्थिति पर हमारी नौसेना ईस्टर्न कमांड के नेतृत्व में विशाखापट्टनम के अंदर तीन दिवसीय एक कार्यक्रम कर रही है और वो कार्यक्रम क्या है कार्यक्रम है कि हमारी सेना जो है वो राष्ट्रपति के सामने बकायदा यह बता रही है कि साहब प्रेसिडेंट साहब हमारी तैयारियां कैसी हैं यानी कि प्रेसिडेंशियल फ्लीट बना करके दिखाई जा रही है भारतीय नौसेना अपने सारे जंगी जहाज प्रदर्शनी में लगा रही है आप पूछेंगे सारे की सारे नहीं 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 हमारे पास जितने भी जहाज हैं उन सबके सैंपल जो नौसेना के पास हैं आप ऐसे समझिए आप में से किसी ने कभी विचार किया आप गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं पहले इसको इस तरह से समझिए आप गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं गणतंत्र दिवस पर रोड पर चलते हुए भारतीय थल सेना के जहाज चले आते हैं भारतीय थल सेना के जो लड़ाकू विमान है वो चले हुए आते हैं अर्जुन टैंक आ गया ब्रह्मोस आ गई ये सब सड़क के माध्यम से चलते हुए आते हैं अच्छा इस बार राफेल भी ऊपर से उड़ा करके निकल गया यानी कि गणतंत्र दिवस परेड में ये सब तो होता है नौसेना के भारतीय जवान क्या करते हैं वो परेड तो शामिल होते हैं लेकिन कभी अपनी ताकत दिखा पाएगा राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर असल में भारतीय सेना भारतीय नौसेना भारतीय वायुसेना चाहिए कि हमारे पास कितना वेपन है और विशेष रूप से देश के प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति है उसको पता होना चाहिए हालांकि पता तो सबको है लेकिन उनके माध्यम से देश को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी क्षमताएं हैं है ना भाई गर्व की बात है लेकिन भारतीय नौसेना आपको गणतंत्र दिवस की परेड पर यह सब दिखा नहीं पाती और आपके अंदर नौसेना को लेकर के कोई जिज्ञासा नहीं बचती आपको लगता है कि यह केवल परेड करने आते हैं बाकी समय पानी में रहते हैं आज आइए आपको दर्शन कराते हैं क्योंकि नौसेना ने यह कारनामा किया है कि राष्ट्रपति को बिठा करके आई सुमित्रा पर घुमाया है कि आइए सर देखिए हमारे पास केवल ईस्टर्न कमांड के पास साठ तो जंगी जहाज हैं सबमरीन खड़ी की हैं, पचपन एयरक्राफ्ट खड़े हैं और उन सब का जायजा लीजिए वो सब लाइन से खड़े हुए हैं और आप उनका तीन दिन तक मुआयना करिए कि भारत की नेवल शक्ति कितनी है तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा भारतीय सेना का मतलब वो दिखाने की ताकत दिखाने का अगर कोई फंक्शन होता है तो वो प्रेसिडेंशियल फ्लीट होती है ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट हालांकि हर बार जो है वो नहीं होती हर साल नहीं होती लेकिन जब जब राष्ट्रपति आते हैं नए राष्ट्रपति आते हैं तब ये फ्लीट आयोजित की जाती है इनसे पहले प्रणब मुखर्जी के टाइम पर एक फ्लीट हुई थी अब रामनाथ कोविंद जी के टाइम पर हो रही है दो में एक फ्लीट हुई थी अब ये यहां हो रही है सर कहां होती है यह कारनामा कहां होता है समुद्र के अंदर ही होगा ऑब्वियस बात है लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो विशाखापट्टनम वाला हमारा जो ईस्टर्न कमांड है वो इस बार इस बार फ्लीट का नेतृत्व कर रहा है आप पूछेंगे भारतीय नौसेना के पास कितने कमांड है बड़ा भारतीय नौसेना के पास तीन कमांड है ईस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है वेस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय मुंबई है और सदर्न कमांड जिसका मुख्यालय कोची है तो हमारी जो ईस्टर्न कमांड है ईस्टर्न नेवल कमांड उसका जो विशाखापट्टनम वाला मुख्यालय है ये इस कार्यक्रम को लीड कर रहा है और यहां पर भारतीय सेना जो है वो अपने भारतीय नौसेना जब हम आजादी के पिछहत्तर साल पूरे करने जा रहे हैं तो इस अवसर पर भारतीय नौसेना दिखा रही है कि हमारे पास क्या क्या है पचास विमान यहां पर फ्लाई पास में शामिल हुए तिरसठ जहाज और पंडुबियां यहां पर शामिल हुई इस प्रकार से यहां पर हेलीकॉप्टर एडवांस तेज ट्रेनर हॉक्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर चेतक एल एच सी किंग कामोव एयरक्राफ्ट सब यहां पर राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शित किए गए हिंदुस्तान टाइम्स और एन के हवाले से हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों यहां पर आप रामनाथ कोविंद जी को एक जहाज पर मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं ताकि आप लोग पढ़ते रहे यहां पर रामनाथ कोविंद जी को आप एक जहाज पर बैठ करके जाते हुए देख रहे हैं मैं फिर से दिखाता हूं एक बार के लिए फिर से देखिए यह जो जहाज आपको जाता हुआ दिख रहा है इसका नाम आई सुमित्रा है साथियों राष्ट्रपति जिस जहाज पर बैठते हैं ना इस जहाज को प्रेसिडेंशियल याच कहते हैं यह याच समुद्र में जाकर के हमारे सारे बेड़ों को देखकर आएगा इस याच की खासियत बताता हूं साथियों इस खाच के याज के ऊपर अशोक चिन्ह लग रहा होता है और मास्ट पर प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड लग रहा होता है यहां पर कमांडो पानी में इस प्रकार से पेराशूट से पैराशूट के माध्यम जंप करते हुए दिख रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके सामने राष्ट्रपति जा रहे हैं और हर जो हमारा लड़ाकू जंगी जहाज है या सबमरीन है वो राष्ट्रपति के सामने इस मुद्रा में खड़ी है आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति का जहाज जो जा रहा है इसे प्रेसिडेंशियल आज कहा जाता है और ये सब जगह जो खड़े हुए हमारे जहाज हैं जो आसपास के एरिया में खड़े हुए हैं उनका बकायदा मुआयना कर रहा है ये विशाखापट्टनम पर हो रहा है हर जहाज के सामने जब राष्ट्रपति उपस्थित होते हैं तो वो हर जहाज से सलामी लेते हुए निकलते हैं एक प्रकार से ये समझिए कि जो गणतंत्र दिवस पर कार्य होता है वैसा ही कार्य मेरे प्यारे साथियों पानी में प्रेसिडेंशियल परेड के रूप में हो रहा है यानी कि, मतलब कि हम कितने दृढ़ता के साथ आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं चूंकि यह बारवा है बारवा कि ट्वेल्थ नंबर प्रेसिडेंशियल फ्लीट है इससे सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फ्लीट कब हुआ यह आप जानना चाहेंगे तो नाइनटीन के अंदर सबसे पहली बार प्रेसिडेंशियल फ्लीट हुआ था इससे लेटेस्ट कब हुआ तो मेरे प्यारे साथियों 2016 के अंदर हुआ जब प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिया गया था मुआयना किया गया था फिर आप पूछेंगे विशाखापट्टनम में यह कौन सा है तो बेटा विशाखापट्टनम में ये सेकंड प्रेसिडेंशियल फ्लीट है इससे पहले जब अब्दुल कलाम साहब थे तब उन्होंने विशाखापट्टनम में इसी प्रकार का प्रेसिडेंशियल फ्लीट किया था यानी कि कुल मिलाकर के आपको समझना यह चाहिए कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में इस प्रकार का एक फ्लीट देखना जरूर चाहते हैं नौसेना की तैयारी देखना जरूर चाहते हैं आप पूछेंगे राष्ट्रपति ही क्यों राष्ट्रपति इसलिए साथियों क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं तीनों नौस भारत की तीनों सेनाएं थल सेना नब सेना और जो जा, 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 हमारी आर्मी जो है उनके जो है वो आर्मी नेवी और वायु सेना तीनों के जो है हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार से हमारी तैयारियों को राष्ट्र को प्रेसिडेंट के माध्यम से दिखाया गया है समझाया गया है कि हम लोग कितने सशक्त हैं भारत नौसेना की शक्तियों में कितना आगे है उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगी आपके अंदर विश्वास और देश के प्रति जज्बा भरने में कामयाब होंगी उम्मीद है कि ये सारी जानकारियां आप लोग देख करके आप देख सकते हैं दो हजार छ में प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा विशाखापट्टनम में इसी प्रकार की एक फ्लीट का मुआयना किया गया था आप यहां पर देख सकते हैं क्लियर है चलिए साथियों उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ गई होंगी सारी डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो हमने अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है ठीक है ना क्लियर चलिए अब साथियों इससे आगे आज खबरें मैं कह ही रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं और ऐसी अच्छी जानकारियों के साथ में समय हमेशा कम पड़ जाता है मुझे बचा के रखनी चाहिए थी अगले दिन के लिए क्योंकि हर दिन अच्छी न्यूज नहीं होती है कई बार तो ऐसी न्यूज हो जाती है कि क्या ही करे आदमी पर ठीक है कभी कभार आप भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं अब आपको हमारे सामने एक पत्रकार दिखाई पड़ रही है साहब पत्रकार का नाम जो है वो इन दिनों ट्रेंड कर रहा है साहब ट्रेंड क्यों कर रहा है इन पत्रकार का नाम है राणा अयूब राणा अयूब नाम से एक महिला पत्रकार है अमेरिका का एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट आप नाम से तो सुने होंगे वैसे तो अमेजन का जो मालिक है उन्हीं का अखबार माना जाता है जेफ बेजोस का गूगल करना भाई वाशिंगटन पोस्ट के असली ऑनर जेफ बेजोस हैं जहां तक मुझे कंफर्म है मतलब 99 परसेंट तो श्योर है फिर भी चेक कर लो वाशिंगटन पोस्ट की ये मतलब वो हैं पत्रकार हैं हैं इंडियन इंडियन पत्रकार लिखती राणा आयु उसके लिए हैं वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं ठीक है साहब अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार बरापत सीखे ना जैफ बेजोस ही माल, मालिक है वाशिंगटन पोस्ट के वाशिंगटन पोस्ट ने अपने फ्रंट पेज पर एक न्यूज प्रकाशित की है अब पहले मैं आपको वो न्यूज दिखाता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे ये देखिए साहब आपको एक अखबार की न्यूज दिखाते हैं शायद आपको ये दिखाई दे जाए ये साथियों वाशिंगटन पोस्ट का फ्रंट पेज है अब फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है जरा आप इसको देखिए यह राणा अयूब है इन्होंने अपने फ्रंट पेज पर वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है ये आपको समझना चाहिए कि हम लोग कहां रह रहे हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इधर देखिए साथियों प्रेस इज अंडर अटैक इन इंडिया आप सोचिए वॉशिंगटन के अखबार में अमेरिका के अखबार में फ्रंट पेज पर जो लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है फ्री प्रेस इज अंडर अटैक इन इंडिया यानी कि भारत मतलब जो स्वतंत्र पत्रकारिता है ये भारत में अटैक की जा रही है नीचे क्या लिखा है ऑलोस्ट एवरी डे राणा अयूब फेसेस थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड डेथ शी है भाई साहब एक तरह से कहने का मतलब यह है कि राणा अयूब के समर्थन में वॉशिंगटन पोस्ट ने फ्रंट पेज छाप दिया बहुत बढ़िया जब इन्होंने छापा तो साहब हमारे भी कुछ अखबार हैं जैसे कि द टेलीग्राफ है टेलीग्राफ जिनकी न्यूज हम कवर करते हैं अपनी क्लास में काफी ज्यादा मैं इसको कवर करता हूं इन्होंने बकायदा अपने फ्रंट पेज पर वाशिंगटन पोस्ट की न्यूज को डाला इधर देखिए टेलीग्राफ ने देखा साहब क्या दिया हुआ है इधर देखिए इन्होंने बकायदा डाला वॉइस राइज फॉर राणा ओवरसीज ये वाशिंगटन पोस्ट के बारे में यूएन के द्वारा इनको रिपोर्टर को वाशिंगटन पोस्ट के लिए समर्थन किया गया है टेलीग्राफ ने ये न्यूज छाप दी अब साफ सवाल बनता है कि बवाल क्या है थोड़ा अब ये भी बता दो है कौन राणा अयूब ऐसी कौन सी पत्रकार आ गई जिसके बारे में कुछ नहीं पता है ठीक है आपको सारी बात बताते हैं साथियों इनके बारे में मैंने पूरा हमारी टीम ने रात भर बैठ करके सारा खाका खंगाला तो जानकारी पता चली कि इन्होंने एक किताब लिखी थी उसका नाम था गुजरात फाइल्स गुजरात फाइल्स नाम से किताब लिखी थी और उस किताब के अंदर इन्होंने मोदी जी के खिलाफ भी काफी सारी जानकारियां लिखी थी यानी कि एक प्रकार से मोदी जी के अपोजिशन में जानकारियां लिखी थी ऐसा हमारी टीम को जानकारी के माध्यम से पता चला फिर आप पूछेंगे तो क्या इस चीज के लिए भारत सरकार इनको टारगेट कर रही है जी नहीं ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसका काम है कि आपके अकाउंट में अगर कहीं विदेश से पैसा आया है तो उसकी जानकारी जुटाई जाएगी तो चलिए अब आपको मुख्य मुद्दे पर लेकर चलते हैं यह मैंने आपको एक बात बताई कि, कि किस कारण से यह कहा जा रहा है कि इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है जबकि अब थोड़ा हम आगे चलते हैं मुद्दे को शुरू से शुरू करते हुए आगे आते हैं साथियों बात इस प्रकार से है कि राणा अयूब के समर्थन में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की कई और संस्थाएं इनके समर्थन में बातें कर रही हैं कि भारत सरकार इनके खिलाफ गलत कर रही है ऐसा क्या किया भारत सरकार ने चलिए डिटेल से बताते हैं साथियों आप लोग कई बार जब यूट्यूब चलाते हैं तो एडवरटाइज आता है उसमें एक एडवर्टाइज आता है एक एनजीओ का और उस एनजीओ का नाम है कीटो कीटो नाम से एक एनजीओ है अगर आपने देखा हो तो उसका एडवरटाइज आता है बहुत सारी सेलिब्रिटीज उसका एडवर्टाइज करते हुए पाई जाती हैं आपने शायद उसका नाम सुना हो वो कुछ इस प्रकार से विज्ञापन करता है कीटो कि भाई हम जो है गरीबों की मदद कर रहे हैं एनजीओ और एनजीओ एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि असल में अपने आप को ये बताते हैं कि हम केवल जनता के लिए काम करते हैं उन्हीं को अपने पैसे से सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उनको नौकरी देते हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराते हैं गरीबों के लिए काम करते हैं लेकिन आज के जमाने में ये जो एनजीओ शब्द है इसकी व्याख्या बदलती जा रही है आपको थोड़ा सा यूं समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति का कोई एनजीओ है तो एनजीओ का सही मामले में काम है जनसेवा करना लेकिन कीटो जैसी जो कंपनियां हैं ये क्या कर रही हैं ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपने विज्ञापन के लिए लेकर आ रही हैं बड़े बड़े लोगों से विज्ञापन करवाती हैं और कहती हुई पाई जाती हैं कि आप कीटों को डोनेशन दें ताकि ये लोगों की मदद करें पहला सवाल यहां पर इकट्ठा होता है और वो ये है सेलिब्रिटीज फ्री में किसी के लिए काम नहीं करती अन अकेडमी या फिर कोई भी जब किसी सेलिब्रिटी को लेके आता है तो उसको पैसे देता है ऑब्वियस ही बात है चाहे फिर वो धोनी हो चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो जिसको भी लेकर के हमारी टीम आती है अब ये सब हमारे स्पॉन्सर्ड हैं अब इन सबको जो है ना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धन दिया जाता है तो भाई एक बात बताइए एनजीओ जिसका काम समाज का उत्थान करना है ये किसी सेलिब्रिटी को लेके आ रहा है उसको भी धन दे रहा होगा भारत सरकार ने इस बात की जांच बिठाई जांच बिठाई की साहब एक बात बताओ इन लोगों को कहीं से कोई विदेशी धन प्राप्त होता है क्या भाई एनजीओ को ऑब्वियस ही बात है आप भी चाहेंगे कि एनजीओ को विदेशी धन मिले ताकि वो लोगों की मदद करें भाई इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा आए लेकिन जब वो पैसा भारत के विरोध में उपयोग में होता है तो आपको याद परिवर्तन पर पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए इन मैडम के साथ दिक्कत क्या हुई दिक्कत यह हुई कि इन्होंने कीटों से लगभग दो करोड़ उन्नीस लाख रुपए उगाए लिए कोविड के दौरान लोगों की मदद करने के लिए कोरोना काल के दौरान दो करोड़ उन्नीस लाख रुपए की इन्होंने उगाई करी कीटो की मदद से कि फंड रेज करना जिसे कहते हैं फंड रेज जो किया दो करोड़ उन्नीस लाख का उसका ईडी के हवाले से जो जानकारी निकल करके आई है वो ये है कि इस पैसे में से यानी कि दो करोड़ सिक्सटी नाइन लैख माफी चाहूंगा दो करोड़ सिक्सटी नाइन लैख राशि थी इस में से इन्होंने 72 लाख रुपए तो जो है वो अपने अकाउंट में ले लिए दो करोड़ उनसठ लाख कितना है ये लाख है ना उनहत्तर लाख में से इन्होंने बेहतर लाख तो अपने अकाउंट में ले लिए सैतीस लाख रुपए जो है वो इनकी बहन है जिनका नाम है इफात शेख उनके अकाउंट में डाल दिए और एक करोड़ साठ लाख रुपए जो है वो इनके फादर मोहम्मद ूब वाकिफ के बैंक अकाउंट में डाल दिए यानी कि ईडी को इतना समझने में पर्याप्त था कि कि जब आपने आपने धन उगाया है, उगाया है है से मतलब ये हुआ साहब बैंक के अकाउंट में पैसा लिया कीटो के अकाउंट में पैसा आया आप उस पैसे को अपनी बहन के अकाउंट में डाल देते हैं और फादर के अकाउंट में डाल देते हैं तो यह सीधा सीधा केस बनता है कि आपने आम जनता के लिए काम करने के नाम पर जो पैसा उगाया था उस पैसे को अपने इस्तेमाल में ले लिया इसके चलते ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया यह तो हुआ सरकार का पक्ष सरकार ने जो कार्य किया वो मैंने आपको बता दिया उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी इन्होंने बताया कि इनके पास जो धन आया उसमें से 80 लाख रुपए विदेशी धन था 80 लाख रुपए इनके पास आया जो इन्होंने अपने माध्यम से यह जानकारी दे दी चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब सवाल यह बनता है कि इन्होंने अपने द्वारा जो चैरिटी करी उस चैरिटी में ईडी बोलता है कि इनके द्वारा फर्जी बिल लगा करके उन पैसों का विड्रॉल किया गया यानी एनजीओ के नाम पर पैसा लिया और फर्जी बिल लगा करके उपयोग किया ठीक है इस पक्ष को सुनकर के आपके दिमाग में यह बैठता है कि राणा अयूब जो है वो गिल्टी है आप खुद से ही एक जज बन जाते हैं लेकिन अब राणा अयूब का पक्ष जानिए राणा अयूब का कहना यह है कि इनके पास में जो पैसा आया वो मतलब ये सरकार का जो एलिगेशन है इनके ऊपर ये केवल बेसलेस है और गलत इंटेंशन के साथ इनके ऊपर लगाया गया आरोप है अब इनका क्या कंसर्न है अब वो सुन लीजिए इन्होंने कहा कि जब बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी गई राणा अय्यूब ने कहा कि मुझसे कीटो वालों ने जब बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी तो मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल तो थी नहीं बैंक अकाउंट कुड नॉट बी यूज्ड एट दैट टाइम ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि पर्सनल अकाउंट जो है इनका वो तो उपयोग में आ नहीं सकता उस समय पर तो कीटो ने कहा कि उन्हें फिजिकल कॉपी चाहिए अब ध्यान से सुनिएगा ये कहां रहती है अमेरिका में अमेरिका में है तो अमेरिका में इनके अकाउंट का इन्होंने फोटो कॉपी भेजा होगा कीटो वालों ने मना कर दिया ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि मैंने मेरी बहन का और फादर का फिजिकल कॉपी फिजिकल कॉपी का मतलब होता है हार्ड कॉपी में पैन कार्ड जो बना हुआ आता है ना वो बोले पैन कार्ड मैंने फिजिकल कॉपी में तुरंत भिजवा दिया किसका भिजवा दिया अपनी बहन का और अपने फादर का जब ये दोनों चीजें हमने वहां भिजवा दी तो उन दोनों के नाम पर ये पैसा वहां पर शो हो रहा है जबकि वास्तविकता में ये पैसा कोविड रिलीफ के लिए खर्च किया गया था देखिए सर अब आप चाहे जो किए इन हो इन्होंने कहा कि मैंने जो पैसा लिया उसमें से एक करोड़ चौदह लाख रुपए मैंने रिलीफ कार्यों पर खर्च कर दिया प्रधानमंत्री केयर फंड में लाख रुपए मैंने डाला और सीएम केयर फंड के अंदर भी पैसा डाला यानी सीएम केयर फंड और पीएम केयर फंड दोनों में इन्होंने धन डाला और एक करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग को इन्होंने टैक्स के रूप में पे कर दिया यह इनका स्टैंड है अब आप सवाल पूछेंगे कि साहब एक बात बताओ दोनों की बातें सुनकर के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पीएम केयर केयर और सीएम फंड में पैसा डाल दिया इनकम टैक्स इन्होंने दे दिया अपने अकाउंट से जो भी था उसकी सारी डिटेल्स इन्होंने दे दी तो फिर किस बात के ऊपर इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है फ्रीज का मतलब कि ये अपने अकाउंट से अब पैसे नहीं निकाल सकते ऐसा क्या हुआ है तो साहब कहानी आपको समझ में आ गई होगी कहानी सिंपल सी यह है कि यहां पर राणा अयूब इस बारे में आरोपी पाई जा रही हैं, यानी कि कई लोग जो इन्हें ट्रोल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी आर्टिकल्स लिखती हैं ऐसा इनका कहना है साथ में हिंदू विरोधी या फिर जो देश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो भारत के अंदर जिनको हम मतलब देश के अंदर अस्थिरता फैलाने वाली घटनाएं करती हैं ये इनको अमेरिका में प्रकाशित करती हैं इस वजह से देश में इन्हें ट्रोल किया जाता है इनके खिलाफ सारी सारी टिप्पणी की जाती है ऐसा इनका कहना है वाशिंगटन पोस्ट ही नहीं अपितु यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल ने भी इनके बारे में जानकारी लिखी है ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा है कि यूएन मानव अधिकार परिषद द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों इरीन खान और मेरी लॉलर ने भारत में खोजी पत्रकार राणा अयूब के विरुद्ध स्त्री द्वेष और सांप्रदायिकता से भरे लगातार हो रहे हमले तुरंत बंद करने का आग्रह किया है ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा है कि इनकी जो बहन है उनके खिलाफ और इनके खिलाफ जिस प्रकार से मतलब बॉडी शेमिंग की जा रही है या फिर धर्म के आधार पर इनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है उन्हें तुरंत बंद किया जाए ऐसा इन्होंने कहा है यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को कहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा है इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन का जो स्पेशल प्रोसीजर है उन्होंने भी राणा अयूब के समर्थन में बातें लिखी हैं अब आप पूछेंगे भारत ने फिर क्या कहा भारत भी तो यूनाइटेड नेशन में कुछ बोला होगा भारत ने कहा कि जहां तक बात है एलिगेशन की कि जुडिशियल हरेसमेंट या किया जा रहा है यह पूरी तरह बेसलेस है और अनवॉरेंटेड है हम चाहते नहीं है जबरदस्ती मत मांग दीजिए जो सलाह आपसे नहीं मांगी गई हो इंडिया अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ बट इट इज इक्वली क्लियर दैट नो वन इज अब लॉ ये बहुत बड़ी बात है मतलब यह है कि हम लोग लॉ से चलते हैं और कोई भी व्यक्ति हमारे यहां कानून से बड़ा नहीं है अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहा असल में जब उन्होंने ये गलती की है कि उनके अकाउंट्स में उनके सिस्टर के अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर हुआ है तो ऐसी स्थिति में अगर वो ये बोलती हैं कि मुझे तो पता नहीं था मैं अपना अकाउंट वहां दे नहीं सकती थी इसलिए मैंने मेरी सिस्टर का दिया तो ये उनकी गलती है ना सरकार की गलती कैसे हुई सरकार का तो सीधा सा उद्देश्य यह चेक करना है कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो जेनुइन तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं अगर कहीं से आपने कोई धन किसी काम के लिए मंगाया उस काम पर वो धन खर्च नहीं किया इसका अर्थ सिंपल है कि आपने कोई घोटाला किया अब वो जो घोटाला है ये ये सरकार का काम है जांचना अगर आप मानते हैं कि पत्रकार होने के कारण ये जांच की जा रही है तो ये आपका सोचना हो सकता है भारत सरकार का नहीं भारत सरकार पत्रकार हो या कोई सामान्य नागरिक हो उनको एक ही तरह से देखना चाहती है और अगर गलती की है तो उनके लिए पनिशमेंट देने का प्रावधान हमारे यहां है तो यानी कि अगर भारत के कानून यूएन के दबाव में आकर के बदल दिए जाए तो यह भारत कर नहीं सकता अगर आप ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो इससे हमें नहीं आपकी इज्जत को भी खतरा है ठीक है तो भाई साहब भारत ने अपना पक्ष रख दिया है तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने इस घटना के सारे के सारे पहलू बताने का प्रयास किया इसमें किसी भी तरह का कोई भी पक्ष लेने का प्रयास मेरे द्वारा शायद नहीं किया गया है मैंने आपको दोनों तरह की इंफॉर्मेशन रख दी है अब आपका विवेक है आप इस बारे में जितनी जानकारी जुटाएं आप जुटाएं जिस तरह से आपको इस घटना को सुनना है वो सुने तो भाई साहब इतनी सारी खबरें हो गई हैं कि हम करने वाली स्थिति में आ गए पानी पिलाओ यार हाँ जी क्लियर हो गया यहां तक समझ में आ गया तो फिर से बता दूं किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमें इस नॉलेज के लिए ये सारा कंटेंट जो है हमारे द्वारा वो हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है अन अकेडमी वाला उस पर भी आज डाला जाएगा टेलीग्राम पर भी अंकित अवस्थी सर के नाम से है, वहां पर भी आपको ये कमेंट मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं साहब आगे साहब क्या है ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात पूछी जा रही है क्या है साहब ओमाइक्रॉन वेरियंट अब आप पूछेंगे कि कुछ हुआ है क्या ओमाइक्रॉन वेरिएंट के साथ कुछ हुआ है क्या भाई साहब ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट बी टू सुर्खियों में है ओमाइक्रॉन तो थोड़ा और पानी भर दो इसमें यार ओमाइक्रॉन वेरिएंट बी टू जो है वो इन दिनों सुर्खियों में है क्यों सुर्खियों में है ओमाइक्रॉन तो हमने बहुत सुना लेकिन डेनमार्क में एक ही दिन में पचास हजार मरीज ओमाइक्रॉन के एक वेरियंट बी ए डॉट टू के निकल करके आ गए ये न्यूज है साहब क्या है कोविड 19 के अंदर ओ oh माइक्रोन का एक सब वेरिएंट निकल के आया है जिसका नाम है BA.2 और ये डेनमार्क के अंदर 50000 मरीज इसके टेस्ट किए जा चुके हैं जो कोरोना वायरस निकला था अब ये फिर से अपने अंदर वेरिएशन ले आया है वेरिएशन के बाद में यहां पर इसका एक सब वेरिएंट नया बन कर के आया और ये बहुत तेजी से अब अपने अंदर क्या किया जा रहा है म्यूटेशन कर रहा है परिवर्तन कर रहा है बहुत तेजी से अपने अंदर परिवर्तन देखे जा रहे हैं मतलब इसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं ऐसा कहा जा रहा है डब्ल्यू एच ओ से जब पूछा गया कि क्या यह वैक्सीन से बच सकता है डब्ल्यू एच ओ ने कहा जी नहीं वैक्सीन से जो है ना इसको कंट्रोल किया जा सकता है इसके अंदर म्यूटेशन बहुत फास्ट है डेनमार्क के अंदर इसको डायग्नोस किया गया है 69 देशों के अंदर यह फैल चुका है लेकिन यह बहुत तेजी से फैल रहा है कोविड 19 के अंदर डेनमार्क जैसे देश में पचास हजार केस एक ही बार में निकल करके आए जिस वजह से एक चिंता का माहौल बन गया है ओमाइक्रॉन बहुत तेजी से वेरिएंट के रूप में निकल करके आ रहा है भारत चाइना बांग्लादेश फिलीपींस पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जर्मनी यूके अमेरिका इन देशों के अंदर इस वेरिएंट का जो है वो देखा गया है ठीक है ना वुहान वायरस जो वापस से म्यूटेट हुआ है बी ए जीरो के रूप में ये निकल करके आया है तो ये खबर के रूप में मैंने आपको बता दी है आपको मालूम होना चाहिए ओमाइक्रॉन जो है अब ये फिर से एक बार और म्यूटेट कर गया है पहले वाले से अलग है बी ए डॉट वन जो था उससे ये अलग है अब इसके अंदर ये तो बात निकल के आ रही है कि यह फास्ट फैल रहा है लेकिन कितना नुकसान पहुंचाएगा इसके बारे में अभी कोई भी न्यूज निकल करके नहीं आई है तो ये एक इंफॉर्मेशन है सतर्क रहें सुरक्षित रहें और जितना हो सके भैया बचकर रहें बात ये तो क्या है भाई साहब बहुत हो गया आज सुनो सेशन शेयर कर दिया लाइक like कर दिया सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा अब इसके बाद समय है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स का जो कि वन डे एग्जामिनेशन एसएससी बैंकिंग रेलवे इनके लिए इंपॉर्टेंट है चलिए चर्चा करते हैं रेफरल कोड अंकित टेंस शाम छह बजे स्पेशल क्लास दोनों बात याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन तरीके मनाया जाता है 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है मदर लैंग्वेज डे 2022 इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ट्वेंटी फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ठीक है इस दिन का इतिहास क्या है कि यूनेस्को के द्वारा 1999 में, में इसे सबसे पहली बार मतलब जो है जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी उसके द्वारा 2002 में इसको सबसे पहली बार स्वीकार किया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हाल ही में कौन सा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया गया तो यह सातवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस था नाइनटीन फेबर दो हजार पंद्रह को सूरतगढ़ से राजस्थान सूरतगढ़ जो कि राजस्थान में है वहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर किसानों को सॉइल हेल्थ के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे लगभग 10.74 पॉइंट करोड़ कार्ड जो हैं वो पहले ही साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे उसके बाद में मतलब ये लगातार बढ़ते गया विभिन्न प्रकार की जो मृदा है उसका पूरा एनालिसिस करके किसानों को दिया गया कि साहब किस प्रकार से मृदा के अंदर चीजें बदल रही हैं हाल ही में कौन से राज्य में विक्रम सारा भाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है गुजरात के अंदर विक्रम सारा भाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है यह जानकारी के रूप में आपको पता होना चाहिए ठीक है इसी प्रकार से अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के किस जिले में बैंगनी क्रांति शुरू करने का वो हुआ है तो रामबन जो है वहां पर, पर पर्पल रेवोल्यूशन एनकरेजिंग लेवेंडर्स कल्टिवेशन यानी कि जो लॉन्ग होती है उसके कल्टिवेशन के लिए लेवेंडर्स के लिए माफी चाहेंगे नहीं जो होता है फूल होता है उसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू करने का उनका भारत के अंदर नया सीईओ नियुक्त किया गया है तो ताकुआ सुनुमा को किया गया है न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ होंडा कार्स ताकुआ सुनुमा जो है वो इंडिया के अंदर इनको नियुक्त किया गया है होंडा कार्स के लिए ठीक है ना तो भारत के अंदर जो होंडा कार चलती है उनके नए अध्यक्ष के रूप में ये आ चुके हैं टोक्यो बेस्ड कंपनी है होंडा है ना और ये 1948 में स्थापित हुई थी होंडा की कार और बाइक दोनों आती हैं हाल ही में किस राज्य को लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क मंडी के भुलान के वैली के अंदर दिया गया है मंडी भुलान वैली के अंदर नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया है हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज सिक्स वायु अभ्यास शुरू किया है तो ओमान ने मिलकर के ईस्टर्न ब्रिज सिक्स नामक वायु एक्सरसाइज शुरू की है मालूम होना चाहिए यहां पर ओमान की सेना भारत आई हुई हैं एयरफोर्स के अंदर राजस्थान के अंदर इसका एक्सरसाइज चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर राफेल और वो जो है वो एफ विमान लेकर के ओमान यहाँ पर पहुंचा हुआ है भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर तीन मोबाइल प्रयोगशाला कौन से राज्य में बनाई गई है तो महाराष्ट्र के अंदर लेबोरेटरी है जो लॉन्च की गई है यह ऑन व्हील है यानी कि चलती फिरती लेबोरेटरी है जो कि मतलब एक तरह से समझिए कि कहीं भी जाकर के टेस्ट कर सकती है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इसका स्थापना किया गया है हाल ही में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हो गया इसका कौन सा देश अव्वल रहा तो नॉर्वे सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने में कामयाब रहा बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 20 फरवरी को समाप्त हुए 21 फरवरी को उस पर अटैक होने की तैयारियां हो गई तो इस प्रकार से बीजिंग ओलंपिक जो है वो चार से लेकर बीस फरवरी तक चले इसमें एक इवेंट हुए पंद्रह प्रकार के इवेंट इसके अंदर किए गए थे बीजिंग यांगकिंग और जोंगशा के अंदर ये आ, मतलब खेलों के आयोजन किए गए थे ठीक है इसके साथ साथ जो अब यहां से आगे, आगे वाले ओलंपिक्स हैं वो इटली में 2026 के अंदर होंगे नॉर्वे विंटर ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीतने में कामयाब हुआ 16 गोल्ड मेडल उसको मिले हैं इसके बाद जर्मनी और उसके बाद चाइना तीसरे नंबर पर रहा खेलों के अंदर इसके साथ साथ साथियों द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारत व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है पाँचवा स्थान इंडियन बिजनेस जो है उनको जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान होगा दुनिया में वो पांचवा सबसे अधिक नुकसान होगा यानी कि जलवायु परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से नुकसान भारतीय कंपनियों को फिफ्थ सबसे ज्यादा लेवल पर होगा ये आपको सबसे ज्यादा जानकारियां पता होनी चाहिए अन इन्फॉर्मेशन में चौबीस फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी पच्चीस फरवरी से पहले अन का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहता है तो उन्हें जो आइकॉनिक प्लान है उस पर 12 महीने का प्लान बासठ हज़ार में फाइव थाउजेंड ऑफ दिया जा रहा है प्लस कॉम्बो इक्यावन हज़ार के अंदर दिया जा रहा है अन अकेडमी पर आपको टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस प्राप्त होती हैं जिनसे आप अपने यूपीएससी की क्लासेस और तैयारी कर सकते हैं इसी के साथ साथ यदि आप मतलब अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको अनकेडमी लाइट सब्सक्रिप्शन जो टेस्ट सीरीज का है उस पर पचास परसेंट ऑफ मिल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है वो ये है कि यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन है या वेबसाइट है तो आप उस पर सत्ताईस तारीख को एक टेस्ट देंगे जो कि बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है अल्टीमेट टेस्ट इसलिए क्योंकि महीने में एक टेस्ट ऐसा होता है सुबह ग्यारह बजे जिसमें एनरोल करने पर आप लोगों को बहुत सारे उपहार मिलते हैं उन उपहारों को आप प्राप्त कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो हमारा प्लान होता है इसमें आपको लाइव मेंटरशिप मिलती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं तो अगर आप अनकेडमी पर लोन फैसिलिटी का उपयोग करना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटी भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है फिलहाल के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें थैंक यू सो मच